आपका भाषण बहुत अच्छा था सर। अच्छा अच्छा, बधाई हो सीएम साहब। बहुत बहुत बधाई हो सीएम साहब, सत्ता में बैठे हुए आपके 4 साल पूरे हुए। जिस कुशलता और ईमानदारी से आपने सत्ता का भार संभाला है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है साहब। धन्यवाद भजन सिंह जी। जब आप जैसा शुभचिंतक मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता है। हाँ हाँ भजनलाल जी, गर्म है आपके लिए स्पेशल चिल शैंपेन। अच्छा यस सर। मुबारक हो सीएम साहब। धन्यवाद। नमस्ते। लो भाई। सीएम साहब, आपके काम और शोहरत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो सही, लेकिन अगले 5 साल तक आपको कोई कुर्सी से नहीं उतार सकता। अरे सर, आपने तो इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। सीएम साहब, मुझे लगता है कि इस शहर से गुंडागर्दी का नामो निशान, गुंडे शहर पर भाग रहे हैं। भजनलाल जी, ये तो आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। मुझे तो बस भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। सर यस। अरे गोली चलाई किसी ने, ऊपर से किसी ने गोली चलाई। अरे जाओ देखो ऊपर, प्लीज जाओ, ऊपर से घेराबंदी कर लो। यहाँ से कोई भी गम गुस्सा क्यों है। यह वाकई अफसोसनाक बात है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद हमारे प्रिय सीएम साहब पर कातिलाना हमला हुआ और हमारी पुलिस कातिल को ढूंढने में नाकाम है। यह तो आप लोगों की दुआएं और भगवान की कृपा है कि 3 गोलियां लगने के बावजूद हमारे सीएम साहब सही सलामत हैं। लेकिन मुझे कसम है खून के उन कतरों की जो सीएम साहब के जिस्म से बहे, मैं उस कातिल को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि आने वाली नस्लें याद करके कांप उठेंगी। ये मेरा वादा रहा। जय हिंद। अन्ना, भजन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भजन सिंह जी। मेरी ही दी सुपारी मेरे ही गले में अटक गई है। क्या मतलब? अन्ना सीएम बच गया है।
और पुलिस शिवा को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। समझ गया ना क्या करना है? हाँ हाँ समझ गया भजन सिंह। क्या हुआ शिवा, ये खून कैसा? कुछ नहीं अन्ना, पुलिस की गोली छूकर निकल गई। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपना गेम पलटी हो गया शिवा। तीन गोली लगने के बावजूद सीएम अभी तक जिंदा है और पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। तू कुछ दिनों के लिए बंबई चले जा और ये पैसे ले। अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अन्ना, आज पुलिस से भागते वक्त एक हादसा हो गया। एक मासूम जवान लड़का मेरे हाथों मारा गया। उसके घर वालों का पता लगाकर ये पैसे उन तक पहुंचा देना। तू फिक्र मत कर, पैसे पहुंच जाएंगे। और सुन, बॉम्बे शिवा नहीं, अजय जाएगा। ये आपके लिए केक है, ले लो बेटा। इसके पैसे नहीं लेंगे हम तुमसे। ये हमारे सुपुत्र हैं रोहित, आज इनका जन्मदिन है। हमने तो कहा था कि बंबई जाकर आराम से मनाएंगे, लेकिन नहीं माने। अब चलती गाड़ी में तो इसी तरह की बर्थडे पार्टी होगी। दे दो बेटा, ये लीजिए। थैंक यू। कुछ भी कहो, चोरों की कमी नहीं है हिंदुस्तान। काशीपुर से हमारे साथ एक बुजुर्ग साथ चढ़े, बातों बातों में उनके साथ दोस्ती हो गई। पिछले स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे और वापस चढ़े ही नहीं। मालूम हुआ कि श्रीमती जी का पर्स उठाकर ले गए हैं और इन्हें पता तक नहीं चला। अब किसी की शक्ल पर थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है या कातिल। क्यों बेटा? अंकल, चोली के पीछे वाला गाना बजाओ ना। रोहित बेटा, चलो उठो, मेरी बस पर आकर सो जाओ। नहीं, मैं यही सोऊंगा। जी सोने दीजिए सैया, वैसे भी मुझे नींद नहीं आई। अरे भाई, तकल्लुफ छोड़ो और ऊपर सो जाओ। ये जरा पकड़ना। रोहित बेटा, सर उठाओ। मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। वो तुम्हें नहीं, मुझे मारने आए थे। आपको? मेरा नाम शिवचरण है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे ब्रांच। लगता है जवाब बॉम्बे की सरजमीन पर अपन अन्ना सेठ की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं गुरु। कौन है तू? तू 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 तारा तानी है नाम हमारा। अबे पूरा गाना गाएगा क्या? अरे पूरा गाना गाने वो किसके पास टाइम है गुरु, अपुन तो मुकड़े से काम चला लेता है और आपका मुकड़ा देख के तो मुड़ आ गया अपुन को। बहुत पक पक करता है तू। करना पड़ता है, बम्बई है जिसके पास बोल बच्चे वही तो अमिताभ बच्चन है। क्या? चल चल सामान उठा। सामान उठाऊ मैं? हरियाणा, चल सामान उठा और दरिया में डाल। दरिया? दरिया अपनी गाड़ी का नाम है।
पानी की तरह चलती है। आ गया किनारा, रोक रहे हरिया। आओ गुरु, आओ आओ गुरु, कैसा लगा? हा? ये क्या है? अरे भाई अपन गुरु रहने को तो फाइव स्टार होटल में रह सकते हैं, पर क्या बॉस का ऑर्डर है कि आपको ऐसी जगह रुकाने का जहाँ पर काले कव्वे को आप पे शक नहीं होना चाहिए। वैसे मोहल्ला दिखने में महिला कुचला लगता है पर अंदर से बहुत अच्छा है गुरु, गरीब के दिल के माफिक, न छल है न इनमें कपट है, बिल्कुल सच्चा। ये पागल है, मेंटल है बिल्कुल, इसको पागल खाने का भी लेके आ रहा हूँ, पागल खाना इसको बाहर निकाल दिया साहब, क्या करें, किसी ने उसका कान काट लेता है, डॉक्टर का टाइट लेता है, दवा तो खाता नहीं, दुआ का असर हो रही। इसका ठीक तरह से इलाज करा और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, इसे मेरे पास लेके आना। बड़े बड़े राजनीतिक पागल मैंने ठीक किए हैं, ये तो सिर्फ पागल है। चलो चलिए, थैंक यू साहब। बाल बाल बच गए भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपने गुस्से की बोतल पे शांति का ढक्कन लगा ले मेरे भाई, नहीं तो दिल पटाखे की तरह उड़ जाएगा और अपना कब बम्बे में अपने गुरु को ढूंढते रह जाएगा। मालूम है तू किससे पंगा ले रहा था? बहुत डेंजर लोग है भाई, पहले तो मार डालते हैं, लुड़का देते हैं, फिर पूछते हैं क्या क्या था इसने। अरे भाई जगपति भवानी इसका नाम है, मिनिस्टर है, राजनीति की शॉल ओढ़कर सारे गैर कानूनी काम इतने कानूनी तरीके से करता है कि जब कानून उस पर हाथ डालता है तो उनके हाथ में सिर्फ शॉल आता है, वो नहीं आता। फिर भी मिनिस्टर? हाँ। ये देखो ये टोनी मुआ पता नहीं किस गुंडे मवाली को यहाँ ले आया हमारी बस्ती। आपको तो हर आदमी गुंडा मवाली नजर आता है। क्या कहा? सोने का बंगला चांदी का बंगला, क्या गुरु कैसा लगा आपने हवा महल? ये कोई रहने की जगह है? यहाँ तो कबूतर का भी दम घुट जाए, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे ये बम्बई है गुरु, बम्बई, यहाँ के लोगों को कबूतर के घोंसले जितनी खोलियों में रहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि मालूम है क्या, क्योंकि उनको मालूम है, ये भाई उनको मालूम है कि पैर फैला के अगर सो सकते तो सिर्फ कबर में, और ये कबर इतना गया गुजरा भी नहीं भाई साहब, चार पांच मुर्दे आराम से पैर फैला। क्या बोला मैं? हमारा घर तुमको ग्रेवयार्ड लगता है? चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, हमको ऐसा पेइंग गेस्ट नहीं मांगता जो हमारा घर को कबर बोलेगा। हमारा घर कबर है क्या सिस्टर? सिस्टर आप तो बगैर ब्रेक के गाड़ी के माफिक शुरू हो गया है, आप सुनो तो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था, क्या? मैं इसको समझा रहा था, ऐसा शानदार घर अक्का बम्बे में तेरे को नहीं मिलेगा। राइट। हाँ, ऊपर से अपनी ये ग्रेट सिस्टर ऐसा ख्याल रखेगा जैसे शेर भी अपने बच्चे करते हैं। बस अभी जास्ती मस्का लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम किसी का ख्याल बैल नहीं रखता, उल्टा उसको हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस, तुमको यूज करने का वास्ते बस यही शुरू मिलेगा, लाइट बिल आधा आधा, टेलीफोन करते ही ₹2 वो टेलीफोन का डिब्बा में डाल देने का, नो चीटिंग, सुबह हम बैठती रहेगा, उसके बाद तुमको खाना पीना बाहर करने का, हमारा किचन में खाना बनाना नॉट अलाउड, रात का 10 बजे का बाद में घर में नो एंट्री। साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूँ मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये, पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई, तू तो ऐसे है ना। आ गया बाप, मारेगा तो नहीं ना? शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओ, बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब, और मुझे बेहूद की बर्दाश्त नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आपको शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब, मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स, एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबाना आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा।
अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, सर मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साफ, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है, मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को भगवान। कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूं, मैं रोज आधा घंटा एक घंटा यही लेक्चर में हर कोठे पर देता हूं। मैं सोशल वर्कर हूं सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं नहीं नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो। अवलदार, यस सर। इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलो, कोना पकड़ के खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के कुत्ते कुत्ते कुत्ते, एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई ये औरतें, यहां जानती है कहीं, पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचानने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे कौन है? नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचान, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। टोनी इसको क्या हुआ? अरे टोनी तुम ये क्या? सिस्टर आपने मेरे को पहचान लिया, आपकी नजर का जवाब नहीं है, यू आर ग्रेट। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग, जॉगिंग। जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो कौन है? तर्जन, तर्जन, तर्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लफड़ा देके चला गया। अरे पर मैं उसमें तुम मुंह काई को काला किया हा? अरे सच्ची बात बताते हुए शर्माती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी, जाके ना धोले। मैंने ये क्या बोलता है, अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता है काजू का फेनी मारा है बुड्ढा, पागल हो गया है। हमको भी लगता है। आउच, कुछ करो मैं। बकरी Thank you.
मेरी गुड़ की डली संतरे की फली। अरे क्या देखती है रे। अरे रुक क्यों गई? बजाओ बजाओ बजाओ। अरे अच्छा लगता है। तुम फिर यहाँ आ गए? हाय क्या करूं मेरी जाने जिगर, तेरे संगीत की चाह जो मुझे यहाँ तक खींच लाती है। आज तो मैं भी सितार को बजाऊंगा जिस पर उंगलियां रखते ही सैकड़ों सुर साथ बज उठते हैं। इन तारों को गलत छूने से उंगलियां कट जाती हैं। जिस सांस को मैं बजा नहीं पाता उसे तोड़ देता हूँ। बहुत हो गया शास्त्रीय संगीत, अब हम इसे रैप सुनाएंगे। रैप देख कौन आज सारी बस्ती के सामने नंगा नाचने का भूल गई। अरे भाती के हरे जोड़ता हूं तेरे। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? आइंदा नहीं छूऊंगा, अभी नहीं छूऊंगा। शरीफ लोगों के साथ गुंडागर्दी करता है।
अरेस्ट हिम। भवानी साहब, मैंने उस लड़की को पकड़ के रखा है जिसने आपके भाई पर हाथ उठाया था। उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसकी लाश मुझे दिखा देता ना, तो उसके वजन जितना सोना तेरी घरवाली के बदन पे सजा देता मैं। कहाँ है वो? लॉकअप में। लॉकअप कॉल। बहुत गर्मी है तेरे खून में आ। मेरी गर्मी का नमूना तेरा भाई देख चुका है, हाथ बंधे हैं वरना तेरी सेवा भी जरूर करता। हरामजादे, वो छिनाल तेरी कौन लगती है? कौन लगती है तेरी वो नखेलिया बहन, जिसके लिए तूने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई हाथ मैं तुम्हें भाव 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 भाव। ये पुलिस स्टेशन है भवानी सिंह, तेरी रखेल का घर नहीं, जहां तू मनमानी कर सके। तू नहीं जानता एसीपी, इसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, भवानी के भाई पर। निहायत बेवकूफ हो तुम, जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे हाथ तोड़ सकता हूं। यह ख्वाब तू बहुत दिनों से देख रहा है शिवचरण, लेकिन अभी तक तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। खाकी और खादी में बहुत फर्क होता है, तुम सिर्फ जुबान चलाना जानते हो और हम हथियार। बहुत जल्द तुम मेरे निशाने पे आने वाले हो। गोलियां बर्बाद करेगा तू। बुलेट प्रूफ जैकेट सरकार सिर्फ मंत्रियों को देती है, पुलिस अफसरों को नहीं। नहीं जीत सकता तू मुझसे, नहीं जीत सकता, क्योंकि कानून की जंग जज्बात के बारूद से नहीं, सबूतों के हथियार से लड़ी जाती है शिवचरण। तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत और बड़े से बड़े गुनाह की फाइल तैयार कर ली है मैंने, और बहुत जल्द वो फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने पेश करने वाला हूं। उसके बाद तुम्हारे जिस्म से बुलेट प्रूफ जैकेट तो क्या, तुम्हारी खाल तक उतार ली जाएगी। जिस दरख्त की जड़ में सांप का बिल हो, परिंदे उसकी शाखों पर घोंसला नहीं बनाते एसीपी। खोल दो इसे। सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। हम अजय की जमानत के लिए आए हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो अजय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शर्मानी चाहिए तुम्हें। अजय बाबू, मेरी बहन की रक्षा करके आपने जो हम पर एहसान किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं बुला सकता। इसमें एहसान की क्या बात है, नारी सेवा तो परम धर्म है गुरु का। जी, जी। इनके दिल में औरत के लिए अलग ही जगह है। सुनिए, जरा मेरे साथ अंदर आइए। चलिए। तुम नहीं, उठिए ना। सुधा, तुम भी आओ। आप लोग के साथ चाय पीजिए, मैं भी आया। लो पकड़ो, जल्दी चलो। पता नहीं क्या समझ रखा है इस घर को। हाँ, क्या है, कुछ अलग स्पेशल बना रहे होंगे। ये औरतें जो है ना, हमारे यहाँ बड़े गरीब है पर दिल के बहुत अच्छे। मैं जरा सा बाहर क्या गई कि तुमने गुंडे मवालियों की मेहमानदारी शुरू कर दी। हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तो भला आदमी है। अरे भला आदमी होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो जैसे वो गुंडा वैसे ये गुंडा। अभी आहिस्ता भी। अरे आहिस्ता क्यों बोलूं, मुझे किसी का डर है। अरे तुम्हारी बहन ने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर दिया है, कल इसकी वजह से भवानी हमारा घर जला देगा, फिर किसको बैठ के चाय पिलाओगे? अरे ये तो छड़ी छड़ांग है, इनका भरोसा कल दूसरी गली नाप लेंगे, लेकिन हमें तो इसी बस्ती में रहना है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे भवानी के तो हाथ पैर जोड़कर हम माफी मांग लेंगे, लेकिन इन गुंडे मवालियों को तो यहाँ से दफा करो। अच्छा बाबा ठीक है, मैं सब समझा लूंगा। क्या, मैं कहती हूँ अक्ल कब आएगी, कब तक मिट्टी के माधव बने रहोगे तुम? कान खोल के सुन लो, अगर ये गुंडे
साले शरीफ लोग साले शरीफ लोग जाग रहे हैं अभी तक। मिसेस डेविड की पत्ती कौन है? अजय तुम क्या मैन, तुम दारू पी के आया? इतना रात को कोई शरीफ आदमी ऐसा दारू पी के आता है क्या? हाँ शरीफ, शरीफ कौन है मिसेस डेविड? अपुन तो गुंडा है, गुंडा शरीफ लोग उस घर में रहते हैं। आपको यकीन नहीं आता? बताओ। ए सारा शरीफ लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारी इज्जत। मुठू जी, क्या हुआ? देखो वो गुंडा मवाली दारू पी के तमाशा कर रहा। साला समझता क्या है अपने आप को? क्या है तुम? हम बोलता है तुम ऊपर चलो। छोड़ो हम डेविड, चलो मैं ऊपर चलो। ये लोग हमको घर बुलाकर बेइज्जत किया, गाली दिया साला हम लोगों को। ऊपर में चलो ना मैं। अरे ये तो आप ये लोग छत के नीचे था जो सुन लिया, वरना बताता ये लोग को आप चीज क्या है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अरे जाके समझाओ ना उसे। मैं क्या समझाऊं, सो जा। साला हमको अगर फिर से बेइज्जत किया या गाली दिया ना तो बाप कसम बंगार लगा डालेगा, सारी बस्ती को चढ़ा कर राख कर देगा। तो साला एक शरीफ आदमी नहीं बचेगा इस बस्ती को। नशा उतरा के और पानी मारने को मांगता है? हाँ वो क्या है मिसेस डेविड, शाम को कल बल कुछ नहीं, अब बीच यही टाइम को हमारा घर खाली करो, एक मिनट भी इधर रुकने को नहीं मांगता है। और ये लोग पकड़ो अपना पैसा, तुम क्या समझता है हम पैसे का मोहताज है? अरे वो तो टोनी, वो साला टोनी का बच्चा हमारा हाथ जोड़ा, हमारा पाँव में पड़ा कि इसको इधर में रखो, तब जाके हम तुमको रखा। और तुम साला दारू पी के अक्का बस्ती में बम बम करता है। अरे छोकरी का इज्जत क्या बचा, अक्का बस्ती का इज्जत उतारेगा तुम? ठीक बोला सिस्टर, ठीक बोला तुम। इसको आज का अक्का पेपर में हेडलाइन पूरा इसका जे है, इसने रात को दारू पी के बम बम किया है। अरे मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमी को बस्ती में क्या, बम्बई में नॉन्टी कर देना मांगता है। ए तू समझता क्या अपने आप को? है सिस्टर को हैरान कर। अभी मैं इसको सूटकेस पैक करके लाता हूँ और इसको स्टेशन में छोड़ के आता हूँ। अभी आता हूँ मैं। ए नाटक, तुम किधर में जाता मैन? ये बाल्टी रखेगा, सूटकेस भर के लेके आएगा। साला इडियट, तुम्हारा बाप का राज चलता है, फादर का राज चलता है, जब जिसको मर्जी लेके आएगा, जब जिसको मर्जी लेके जाएगा। हाँ मगर सिस्टर तुमने बोला ना इसको घर में नहीं रखेंगे। बोला तो क्या हुआ, ये ऐसा काम काय को करता है? अरे ये हमको मिसेस डेविड बोलता है, लेकिन हम तो इसको अपना बेटा का माफिक मानता है। और क्या माँ क्या बेटे को गुस्सा नहीं करने को सकता है? मिसेस डेविड बिल्कुल कर सकता है, चाहे तो मार भी सकता है, लेकिन अगर बेटा माफी मांग ले तो? मिसेस डेविड आई एम सॉरी। हमको माफी मत मांगो, तुम सुधा को माफी मांगो। मालूम तुम क्या किया, उसका घर पे बॉटल फेंक के मारा, उसको लग जाता तो भी वो बेचारा छोकरी तुमको इधर में छोड़ के गया। चलो अभी जल्दी से हाथ मुंह धो, जल्दी से जाके उसको माफी मांग के आओ, जाओ। गॉड ब्लेस यू। मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। देखिए अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता? आपकी भाभी की बातें चिंगारियां बनकर मेरे दिमाग में सुलग रही थी। सोचा था शराब से बुझा लूंगा, लेकिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। कल नशे की हालत में गिर गए थे आप। नशा तो एक बहाना था, गिरा मैं कई बार हूं। तो आप संभल जाइए। मेरे संभलने ना संभलने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? और अगर फर्क पड़ता हो तो? ए मैन, हम तुमको माफी मांगने का वास्ते इधर में भेजा और तुम स्टैचू का माफी खड़ा है? चलो माफी मांगो, कम ऑन। माफी तो ये मांग चुके हैं, लेकिन माफी तभी मिलेगी जब ये वादा कर लें कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। That is good. बोलो हाथ लगाएंगा? नहीं। ओह, वो एसीपी का आदमी आया था, बोला तुमको घर भेजो, अर्जेंट में काम है। एसीपी साहब, आपको मिलने को कोई भवानी साहब आया है। भवानी?
मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे की उसने? ठहरो। हमारी बातें घर की चौकट के बाहर ही हो तो बेहतर है। सुना था दो दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, एक अस्पताल का और दूसरा पुलिस का। लेकिन ये मेरा घर है और इसी घर की चौखट पर लिखा है वेलकम, यानी कि स्वागतम, नमस्ते। इजाजत हो तो मैं अंदर जाऊं। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। मैं जगपति भवानी, जिक्र चलता होगा कभी कभी मेरे नाम का। इस घर में सिर्फ भले लोगों का जिक्र होता है। देखा, भाभी भी नाराज, आप भी दुखी और मैं भी परेशान। और ये सब किसकी वजह से? सिर्फ उस लड़के अजय की वजह से, जो ना आपका कुछ लगता है ना मेरा। वजह वो लड़का नहीं, तेरे कर्म है भवानी, जो तुझे मेरी चौकट तक खींच लाए हैं। अरे हाँ, रात भर मैं भी यही सोचता रहा कि बदनामी के इस दाग को किस तरह से धोया जाए। और अचानक मुझे यह ख्याल आया कि पैसा वो साबुन है जो बदनामी के हर दाग को धो सकता है। और यही सोचकर मैं साबुन नहीं, पूरी वॉशिंग मशीन ही उठाकर ले आया। जी हाँ बडोगलाल जी साहब, ले आओ। चलो उठाओ। चलो यहाँ रख दो, आराम से। तुम लोग जाके बाहर बैठो। चलो चलो मैं आता हूँ। इस बक्से में इतने रुपए शिवचरण साहब, कि आप जिस थाने में काम करते हैं उसके सामने आप 50 माले की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, जिसकी छत से आपका पुलिस स्टेशन, माचिस की डिबिया नजर आएगा। सबसे पहली बात, इस घर में सिगरेट पीना मना है। और दूसरी बात, गंगा भाई। जी साहब। गंगा भाई, ये साहब बक्सा भर के नोट लाए हैं मुझे रिश्वत देने के लिए। तुम इनमें से जितने नोट लेना चाहो ले सकती हो। सोच क्या रही हो? साहब, मैं इस घर में 11 साल से काम करती है। आप पुलिस में इतने बड़े अफसर हैं। कभी कभी मेरे को दो दो महीने के बाद पगार मिलता है, फिर इतना बक्सा भर के नोट तो हराम की कमाई होगी ना साहब। मैं झूठे बर्तन मांझकर अपने बच्चे लोग को दो वक्त की रोटी खिला सकती हूँ, लेकिन ऐसे हराम की कमाई पर थूकेगी भी नहीं। सुन लिया भवानी, जिस पुलिस ऑफिसर के घर में बर्तन मांझने वाली का जमीर इतना बुलंद हो, उस ऑफिसर के ईमान की क्या कीमत लगाएगा तू? उठा इस कचरे को और दफा हो जाए यहां से, वरना रिश्वत देने का एक और जुर्म तुझ पर लग जाएगा। इस वर्दी में बहुत गर्मी होती है शिवचरण साहब, इसलिए समझदार ऑफिसर रिश्वत के छींटों से इसे ठंडा करते रहते हैं, वरना ही पहनने वाले को जला देती है। तो फिर इस वर्दी से दूर ही रहना भवानी, क्योंकि इस वर्दी के अंदर बारूद से बना हुआ जिस्म है। अगर उस जिस्म ने आग पकड़ ली तो वो धमाका होगा कि तेरे जिस्म के चीतड़े चीटियां तक नहीं ढूंढ पाएंगी। अब जा, मंदिर में जाकर अपनी जिंदगी की दुआ मांग, क्योंकि मैं तेरी फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के पास लेकर जा रहा हूं। गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? हाँ, तुम्हें 9 बजे आने को बोला था और अभी आ रहे हो। सर वो क्या हुआ कि? देखो, जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो। मैं जल्दी में हूं, सुमित्रा से जाके मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके सर। ओके
जय भवानी। चलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं वो? बस समझ लीजिए कि मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है, खतरे की कोई बात नहीं है। हेलो भवानी साहब, आपके लिए बुरी खबर है, एसीपी शिवचरण बच गया। पान सर? नहीं बटुकलाल, तुझे एसीपी की खैरियत पूछने अस्पताल जाना है। सुनिए, मुंह खोलिए। तुम्हारे नसीब में मेरे साथ दुख झेलने के कुछ दिन और लिखे हुए हैं। जी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, देखना आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी, कुछ ही दिनों में टंगे भल्ले हो जाएंगे। वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भाभी जी, मैं तो कहता हूँ इस मामले की इंक्वायरी ऊपर से होनी चाहिए। दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला, ची 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 ची, शर्म की बात है। वैसे मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हरदम हाजिर हूं। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाभी जी, चलता हूं। मॉर्निंग सर। ओ अजय सर, मैंने अभी अभी भवानी के पीए को जाते हुए देखा, वो यहाँ आया था? हाँ, देखने आया था कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साजिश थी? और कौन हो सकता है? तो फिर आपने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या फायदा, वो अदालत में साबित कर देते कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है, उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देगा, और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। ड्राइवर जल्दी चलो। साहब साहब, ये आपका पान का डब्बा। ये दो बुरी खबरें हैं भवानी, एक एसीपी साहब बच गए और दूसरी अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। जिंदगी और मौत से अकेले जूझ रहे, आज वो इसके जुनून का शिकार हुए, कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होगा एक दिन, क्योंकि मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गैर हो, पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और नीलाम मत करो साहब, आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको
जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तुम अपने आप को समझता क्या है मैं? हाँ, तुम वो भवानी का घर में घुस के उसका लोग को मारा, उसको मारा, उसको घसीट के कुत्ता का माफिक पुलिस स्टेशन ले गया। हम मानता है कि वो बहुत हलकट आदमी, बहुत खराब आदमी, लेकिन तुमको ये सब लफड़े में पड़ने का क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो मिसेस डेविड, पहले बताओ कि तुम नाश्ता किस्ता किया कि नहीं? अरे तुम छोकरा लोग का यही मुसीबत है। तुम बैठो, हम चाय पाव लेके आता है। एक तुम आजकल का छोकरा लोग अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखता। हमारा डेविड मालूम दिन में 5 बार खाना खाता होता, 2 बार नाश्ता करता होता और आखा दिन में 1 लीटर दूध पीता होता। हमारा डेविड खाने का बहुत शौकीन था। इनका कड़ी भी हमारा डेविड को बहुत पसंद था, बांगड़ा फ्राई लाल चटनी का साथ। क्या देखता है तू? तुमको मालूम है ये क्या है? ये है ना, डेविड ने हमको सबसे पहले यही गिफ्ट दिया होता। चाहिए। अच्छा आज हम तुमको एक बात बताएंगा कि हमारा और डेविड का रोमांस कैसा हुआ। क्या हुआ ना, हम सर्विस करता होता तो जिस बस स्टॉप से हम सर्विस के लिए बस पकड़ता होता उसका बिल्कुल ऑपोजिट में डेविड का बेकरी था। वो उधर से रोज अपन को देखता, अपन को लाइन मारता, वैसे अपन को भी अच्छा तो लगता था वो। लेकिन अपन काय को बोलेगा पहले उसको आना मांगता है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? उसके बाद में क्या हुआ मालूम, एक दिन सुबह सुबह हम खड़ा था तो हमारे आजू बाजू में कोई भी नहीं था, हम अकेला था। उसने भी उधर से देखा और चांस मारा, उधर से उठा और उठ के हमारा बाजू में खड़ा हो गया। हमारा भी दिल धक 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 करने को लगा। अरे मैन, उसके बाद उसने ना ये गिफ्ट हमारा हाथ में दिया और हमको बोला तुम्हारा वास्ते, ऐसा बोल के भाग गया। अरे सीधा भाग गया, हम चिल्लाए ए मैन ए मैन, उसने आगे देखा ना पीछू भाग गया। उसके बाद ना हम घर पहुंचा, घर पहुंच के हमने ये गिफ्ट देखा, हमको बहुत क्यूट लगा। और ये देखो इसका पीछे में क्या लिखा है, आई लव यू। अच्छा आइडिया है ना पटाने का। अगर लाइफ में तुम्हारे को भी किसी से रोमांस हो जाएगा और तुम्हारा बोलने का हिम्मत नहीं होएगा ना, तो हमारा डेविड का आइडिया वापरना बेस्ट है। फटाक से रोमांस और झटाक से शादी हो जाएगा।
एक मिनट। वो अजय। अच्छा, तो अब नौबत तोहफों के लेन देन तक पहुंची है। नहीं भाभी, कब से चल रहा है ये चक्कर? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। झूठ बोलती है कलमुही, बहुत उबाल आ रहा है ना तेरी जवानी में, तो भूल जा के तू क्या है और तोड़ दे धर्म और समाज के कानून। बेहया निर्लज कहीं की शर्म नहीं आई तुझे? जा अभी के अभी तोहफा उसके मुंह पे मार। क्या लौटाने आई हूं। क्यों? क्या इतना हक है कि इस इनकार की वजह पूछ सकता हूं? मैं इस तोहफे के लायक नहीं हूं। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो यह है कि तुमने मुझे कभी अपने प्यार के काबिल ही नहीं समझा। नहीं नहीं अजय बाबू, ऐसी बात नहीं है। यही बात है, वरना तुम मेरे प्यार को इस तरह ना ठुकराती। सुधा, मैं तुमसे वादा करता हूं सुधा कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के खातिर अपनी जान तक लुटा दूंगा। बस मुझे एक मौका दो सुधा। अजय बाबू, जो खुशी आप मेरी झोली में डालना चाहते हैं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। और ना ही ये समाज मुझे इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि जिस बात के सैलाब में बहते वक्त मैं ये भूल गई थी। कि मैं एक विधवा हूं। ये दुख तो मेरा मुकद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुकद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुकद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों देखो, एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? तमाशा तो तू बना रही है कलमुही। अरे शर्म के गहने तो तूने बहुत पहले उतार दिए थे, इस शरीर पे जो दो चार कपड़े बचे हैं ना, इन्हें भी उतार दे ताकि ये तेरी जवानी की ज्वाला को शांत कर सके। एक कैसा
रख लिया, तुम उसको हमारा धंधा बोलता है? हाँ, और नहीं तो क्या? अच्छा तो थैंक्स बोलो, बोलो थैंक्स हमारा इस धंधा को। हाँ। थैंक्स बोलो हमारा इस पेइंग गेस्ट को जिसने तुम्हारा छोकरी का इज्जत बचाया, वरना आज किधर में मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। उस भेड़िए के मुंह से बचाया हमारा पेइंग गेस्ट ने। हाँ, भेड़िए के मुंह से बचाया और अब खुद मुंह मार रहा है इस पे। ये सब सुनने से पहले मर के पागल हो गई हो तुम। आत्महत्या करना बुजदली है और मैं दुनिया वालों को तुम्हें कायर कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं पूछता हूं कौन सा पाप कौन सा गुनाह किया है इसने, किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसे? क्या एक विधवा को दोबारा जिंदगी बसाने का हक नहीं? क्या उसे भी हंस खेलकर जीने का हक नहीं? अगर ये समाज इसे इस बात की इजाजत नहीं देता तो ठोकर मारता हूं मैं इसे समाज को। आज मैं सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी बनाने का ऐलान करता हूं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी आइए और हमारी इज्जत को लुटने से बचाइए। एसीपी साहब देखिए, वो कमीना क्या गजब ला रहा है, एक विधवा की मांग में सिंदूर भर रहा है। रुक जाओ अजय, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम जबरदस्ती इस विधवा की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। एसीपी साहब, या तो ये सिंदूर सुधा की मांग भरेगा या फिर मेरा हाथ कटकर जमीन पर गिरेगा। देखो अजय, मुझे मजबूर मत करो, फेंक दो इस सिंदूर को। आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और मैं अपने वचन से। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, आज तुमने यकीन दिला दिया कि तुम्हारे हाथ दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए बड़े हैं। ये लोग क्या जाने कि एक विधवा को जीने का अधिकार देना कितना बड़ा पुण्य है। भाभी तो मां समान होती है और तुम ये फर्ज नहीं निभा सकी, लेकिन मैं इनका पिता बनकर इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद अगर किसी ने इन दोनों पर आंख उठाने की जरूरत की तो वो शिवचरण का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्या है सर? कमिश्नर साहब ने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल भेजी। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ, सदा सुखी रहो। सर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
रे चाई तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाओ राय के तेल जैसा चाई रे चाई ओ चाई चाई रे चाई ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो समझी मैं अजय का दोस्त टॉनी अजय कहाँ है वो उड़न छू गया अभी आपके हाथ आने वाला नहीं है वो गया क्या मतलब वो तो मौके की तलाश में था 1 2 का 4 ए, सीधा सीधा बोल कहाँ है अजय हम बताता है ना साहब जैसे तुम उनका बाप बनकर उनका शादी बनाया उनको ब्लेसिंग दिया वैसे हम उनका माँ बनकर उनको हनीमून पे भेज दिया अरे ओके आई एम नॉट ईटिंग लो आई डोंट लो आई डोंट लो बाबा बेटा संभल के बैठना हम लोग आ रहे हैं बाय आंख मारता है कौन कौन वो गाड़ी में देखो ना वो बच्चा इसकी तो ए छुटके मेरी बीवी पे लाइन मारता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था अंकल आंटी बहुत अच्छी है एक आइसक्रीम की तरह साले आइसक्रीम खाएगा आइसक्रीम खाने के लिए तो तारीफ कर रहा था बदमाश रुक लाता हूँ साला दौड़ती बच्चा आइसक्रीम लेकर आ अपना भी ऐसा होगा क्या शर्माती क्या है Ah!
मेरी गोद उछलने से बचा ली। आप तो मेरे लिए ये क्या कर रहे हो? बहुत एहसान है तुम्हारा भैया। ठीक कहते हो बेटा, वरना दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाता है। अरे तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, जो तुम्हें इंसान के रूप में देवता मिला। क्या बहादुर लड़का है, जान पे खेल के बचाया उन बच्चों को। भगवान हर माँ को ऐसा बेटा दे। देखो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसने बच्चों की जान बचाई है। जुग जुग जियो बेटा। भगवान, आज मैंने वो काम किया है जिसके लिए मेरा फर्ज मुझे इजाजत नहीं देता। एक मुजरिम को गिरफ्तार करने के बजाय उसे आशीर्वाद देकर आ रहा हूं, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि एक मुजरिम के अंदर इंसान को करवट लेते हुए देखा मैंने। अब उस लड़के अजय को ऐसी शक्ति दे कि वो सच्चाई की डगर पर चल सके। अरे भाई पूजा पे बैठिए, शगुन का समय निकला जा रहा है, मुझे और भी जगह पूजा पे जाना है। जी पंडित जी। टोनी जरा पंडित जी का टाइम पास कर। ठीक है ठीक है। पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हम रमाकांत गड़गड़े के पास मिले थे। अच्छा, उनकी पूजा में आपने हवन किया था उनके गैरेज में। अरे कमाल कर दिया, अपने शुभ हाथों ने जो हवन किया था आपने। अरे बाप राज, उनकी 25 फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ। तो भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहाँ, भगवान का बड़ा आपका बड़प्पन है जो भगवान का नाम ले रहे हैं आप। ये जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा के आपने अपना हांडा के यहाँ जो पूजा किया आपने ढाबा में। हाँ। है? पूजा किया आपने, हवन किया, उसके दूसरे दिन ही उसके नीचे एक हांडा मिला, हीरे मोतियों का हांडा। आज पता है कहाँ है वो हांडा? युगांडा। अच्छा? हाँ, वहाँ हीरो हांडा का बड़ा शोरूम बनाया है, वहाँ हवन के लिए बुलाएंगे आपको। है ना, बड़ी कृपा है महाराज आपकी। एक टोनी बहुत चालू है, उल्लू बनाता है पंडित को। मैं तो कहता हूँ प्रभु पंडित जी आप ऐसी कृपा यहाँ कर दीजिए, ऐसा हवन कर दीजिए कि हमारे जो गुरु हैं इनके 25-30 गैरेज हो जाएं। भाई भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। अरे भगवान की तो कृपा है, पर पंडित जी क्या बात है, अरे आपके हाथों में तो शक्ति है, बड़े भाग्यवान है आप। ये देखिए पांच उंगलियां, ये पांच उंगली के बाद ये छठा जो बच्चा है, अरे रे 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 रे, इसको जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ये छठवा है, जैसे क्रिकेट में सिक्सर बोलते हैं इसको हमारी भाषा में बोलते हैं दर्द सर। दर्द सर, इसके कारण कभी कभी आपके सर में दर्द भी होता होगा। पंडित जी कमाल है, देखिए पैर छू रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। देखिए आप इतने ऊपर जाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे। बहुत भाग्यशाली हाथ है। और देखिए गुरु की गोद में शनि बैठा है, परेशान कर रहा था चला गया। पहले आपका शुक्र मलाड़ में था, गुरु वर्ली में था, और ये जो मंगल है वो जंगल में था। साहब जी आगे। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आइए सर। सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, आओ। ये जरा फाइल पकड़ना। वेलकम वेलकम, कैसा है? अच्छी हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आ जाइए। चलो बैठिए सर। यहाँ आ जाइए। लो बैठिए बैठिए। क्या हुआ? रुमाल है, रुमाल आपके पास? नहीं नहीं, चलो उधर बैठो। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी पंडित जी। जी हाँ। कीजिए। नारायणाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला स्तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम चंद्रमसे नमो नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धवे नमः स्वाहा। ओम शुक्रवे नमः स्वाहा। ओम शनिवे नमः स्वाहा। ओम पूर्णेति पूर्णमिदं स्वाहा। ओम गणानन्तः गणपति गुंगवामहे प्रिया। ये क्या कर दिया सर आपने? एक मुजरिम जो सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा है उसका अतीत जला दिया है मैंने। अगर कोई इंसान बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो क्या कानून उसे माफ कर सकता है? कानून से बड़ी अदालत आत्मा की होती है, और आत्मा का फैसला हर फैसले से बड़ा और अटल होता है। मैंने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ही ये फैसला किया है।
भगवान करे तुम्हारा हर काम सफल हो, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। समझा? ले। बड़ा पाव देखो, पूरा काला तेल पाओगे। ना खुद खाता है ना पीता है ना औरों को खाने देता है, क्या है? चिल्ला मत, जाके दूसरी गाड़ी में देख पेट्रोल है कि नहीं, डिलीवरी देनी है। हाँ देखता हूँ। 7:11 का पाना दे। हेन का टका सो रहा है। क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इसे क्या हो गया है, क्या हो गया है? ओ यार ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार, बंद पड़ गई। मिर्गी मिर्गी खोलो खोलो, बोनट खोलो, जल्दी खोलो बोनट, खोलो फौरन खोलो, जल्दी खोलो। मुर्गी इंजन कहाँ? तो मुर्गी इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूँ इंजन किधर है। अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे। मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? ओ नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तुम इंजन गुल। अच्छा ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है। परसों ली है? अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है, विदेशी है। शर्मानी चाहिए हम लोगों को, विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे, इम्पोर्टेड गाड़ियां। शर्मानी चाहिए आपको, अंग्रेज से ली है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते भगाते फांसी पे चढ़ गए, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज अंग्रेज पीछे रह गए। हम लोग जिसमें इंजन नहीं है वो इम्पोर्ट गाड़ी है। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडर घाट पर ले जाता, ढकेल देता तू ऐसी गाड़ी पर। अंग्रेज बने हुए हैं, इम्पोर्ट गाड़ी। हट। ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गाड़ी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल ले, इम्पोर्ट बोले हैंडल गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है, विदेशी गाड़ी लेके आए। बोले मालूम है कहाँ इंजन, और छोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, छोड़ दे। कंटाल गया उस गैरेज से, इन गाड़ियों से पाना वाना, छोड़ दे ये गैरेज, तोड़ दे, तोड़ इंजन दे दे, तोड़ दे तोड़ दे। ओए हाँ ये रहा इंजन। इंजन इंजन कहाँ से आया भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बापरे भर गए पापा जी, जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन। 9 बजे का शो है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे बिगिनिंग नहीं देखेगा तो मजा नहीं आएगा ना। मैं तो कब से तैयार हूँ मिसेस डेविड, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो आने वाला नहीं है, लिख लो तुम। अरे सुकान खुजाने का फुर्सत है, तुम बात करता है। ए टोनी काय को फालतू का बात बोल के हमारा बेबी का दिल दुखाता है। हाँ अजय ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उसको 9 बजे का पिक्चर दिखाएगा, उसको डिनर में लेके जाएगा, है ना? अरे हाँ। सवाल इतने उठता है क्यों? अरे सिस्टर देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी दिन रात दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और जो आदमी दिन रात काम करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्कहोलिक। वर्कहोलिक बस अपने गुरु को वर्कहोलिक हो गया है, वो आने वाला नहीं है। अरे कैसा नहीं आएगा? अरे भाभी मेरे को बहुत भूख लगा, पहला मेरे को खाना खिला दो बस। अरे कैसा? अरे रुको मैं, तुम किधर जाता है? किचन में टोनी को खाना देने। उसको हम खाना खिला देंगे। तुम एक बात हमारा ध्यान से सुनो, हमारा जो डेविड था ना वो भी ऐसे करता था, काम में सब कुछ भूल जाता था, सब कमिटमेंट भूल जाता था।
हम भी कमती नहीं था, हम भी उसका काम पे पहुंच जाता था और दो चार ऐसा पोज मारता था कि डेविड खल्लास हो जाता था और ये जल्दी से शटर डाउन करके हमारा साथ में निकलता था। तुम समझ गया ना हम क्या बोलना मांगता? ये मर्द लोग को कंट्रोल में करने का वास्ते थोड़ा दो चार पैर पैतरा मारना ही मांगता। तुम समझ गया ना? समझ गई। अरे समझ गया तो खड़ा काय को, जल्दी से जाओ उसका भी शटर डाउन करो। गो मैन गो, जाओ ना। सिस्टर मान गया तुमको, यू आर ग्रेट। थैंक यू थैंक यू। अरे अजय, तुमको मिलने का वास्ते कोई आया? हम ऊपर में बिठाया उसको, जरा देखो तो कौन है। अच्छा मिसेस डेविड। सुधा जी, हम उसके लिए चाय बिस्कुट बनाया, तुम लेके जाओ। अच्छा। क्यों शिवा, मेरे को देख के खुशी नहीं हुई तेरे को? नहीं अन्ना, ऐसी बात नहीं है। तो आ, अन्ना के गले लग जा। आजा मेरे बच्चे शिवा, आजा। मेरे को बहुत खुशी हुई कि तूने घर बसा लिया, लेकिन मेरे को दुख भी हुआ कि तू अन्ना को भूल गया। चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को लेने आया हूँ, अपना सामान बांध और मेरे साथ चल। नहीं अन्ना, अब ये मुमकिन नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी? अरे अन्ना की दुनिया तो बहुत उदास है रे तेरे बगैर। चल वापस चल शिवा। मेरा नाम शिवा नहीं, अजय। नाम के साथ साथ पेशा भी बदल दिया है मैंने। हथियार की जगह औजार और खून की जगह पसीना बहाना सीख लिया है। हाँ मेरे को मालूम है, इधर इस बस्ती में तूने एक गैरेज खोल रखा है, गाड़ी की रिपेयरिंग करता है तू। लेकिन अपन का लाइफ भी कोई गाड़ी का इंजन नहीं जो बिगड़ जाए तो रिपेयर हो जाए। चला तो चला, नहीं तो स्क्रैप। देखो अन्ना, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, अपन लोग की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। हाँ, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं लौटना मुझे उन रास्तों पर जिस पर बेगुनाह इंसानों की लाशें खून से लिथड़ी पड़ी हो, नहीं लेना उस हवा में सांस जिस हवा में बारूद का धुआं शामिल हो। अन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर मत करो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या बोला तू? मैं चले जाओ यहाँ से? मेरे को बोला तू? मेरे को बोला? अरे तू जब रोता था ना तो तेरी रोने की आवाज नहीं निकलती थी तेरी अलग से, ऐसे मरेले हालत में कोई कचरे में फेंक के गया था तेरे को, मैं उठाया तेरे को, अन्ना उठा के पाला तेरे को। बच्चा जब बोलने लगता है उसके मुंह से पहला वर्ड अम्मा निकलता है, लेकिन तेरे मुंह से अन्ना निकला था, अन्ना निकला था, अन्ना। इतना प्यार दिया मैंने तेरे को और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहां से? अरे दो वक्त जोरू के हाथ का रोटी और चार रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को भूल गया तू? अन्ना को? मैं जानता हूं अन्ना, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है। यही कर्ज था जिसकी खातिर जो कुछ तुमने मुझसे कराया मैं करता चला आया, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूं अन्ना, एक नेक इंसान बनकर, अपनी खातिर, अपनी बीवी की खातिर। तो तू इसके लिए जीना चाहता है? याद कर शिवा, जिस आदमी के घर पे तूने पैसे भिजवाए थे वो कोई और नहीं, तेरे औरत का पहला मर्द था। अब तू जीना चाहे भी तो जी नहीं सकेगा, क्योंकि जिसके मांग में तूने सिंदूर भरा है ना, उसका मांग उजाड़ने वाला भी तू है। उसका पहला पति रवि मल्होत्रा का कातिल तू है, उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है, तू है। उसका सुहाग उजाड़ने वाला तू है, उसको विधवा बनाने वाला तू है, तू है शिवा, तू, तू, तू। पुलिस से क्यों भाग रहा था? पुलिस से क्यों भाग रहा था? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं।
अपने ही करने का फल है नेकी और रुस्वाइयां। आप ही के संग चलेंगी आपकी परछाइयां। आमीन। तुम काय का वास्ते मुंह लटका के खड़ा है? अरे तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गुड न्यूज आज हम तुमको देंगे। तुम फादर बनने वाला है। यस फादर। और हम दादी। अरे हमारा तो दिल करता है कि जोर से नाचेगा गाएगा चिल्लाएगा कि हम दादी बन। मिसेस डेविड, हॉस्पिटल में शोर मचाना मना है। सॉरी सॉरी। कांग्रेचुलेशंस। जश्न तो हम सब मिलकर कल बस्ती में मनाएंगे। हाथ भी लगाया। खून की बू आती है मुझे तुम्हारे जिस्म से। नफरत है मुझे तुमसे। नफरत। इससे बड़ा अभिशाप और क्या होगा मेरे लिए कि जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा उसने मेरी मांग भरी। मेरी बदकिस्मती है ये कि एक कातिल के खून का खतरा मेरी कोख में पड़ रहा है। जी तो चाहता है कि जन्म से पहले ही इसे मार डालूं। लेकिन क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूं। कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी। बारूद का ढेर था लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। अरे जिसके वास्ते तू अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना, वो इस तेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। चल वापस चल अपनी दुनिया में। देख मैं तेरे को अपने साथ ले जाने के वास्ते कैसे कैसे महारथी अपने साथ लाया हूँ। देख। नहीं नहीं नहीं, ऐसी दुश्मनी की नजर से देखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब भवानी अन्ना से हाथ मिला चुका है और जो अन्ना का दोस्त है वो भवानी का दोस्त है और इस दोस्ती का सुझाव दिया है हमारे आदरणीय भजन सिंह जी ने। आप है राजनीति के बेताज बादशाह, सियासत की शतरंज कैरम बोर्ड की तरह खेलते हैं। दौलत और ताकत का स्ट्राइकर इनकी उंगलियों में है। जितनी देर में कैरम का एक बोर्ड फिनिश होता है उससे भी कम वक्त में ये किसी भी पार्टी का तख्ता पलट सकते हैं। वो क्या है कि शक्ल से मैं उतना कमीना नहीं लगता हूँ जितना मैं हूँ। बहुत सोच समझ कर राजनीति के इस धंधे में कदम रखा है मैंने। जानते हो क्यों? क्योंकि नेतागिरी ही एक ऐसा धंधा है जिसे शुरू करने के लिए ना फाइनेंस की जरूरत होती है ना क्वालिफिकेशन की, सिर्फ कोयल सी मीठी जुबान और लोमड़ी सा शातिर दिमाग चाहिए। दरअसल मैंने ही अन्ना को सुपारी दी थी उस सीएम को मारने के लिए और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने के लिए, मगर साला किस्मत का धनी था बच गया और मर गया वो जो तुम्हारी बीवी का पहला पति था। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रुपए लेकर खून करते हैं। तुम्हारे पास आने की वजह है तो सिर्फ इतनी कि बंदूक चलाते वक्त तुम्हारी उंगलियां नहीं कांपती। 26 जनवरी को वही सीएम इस शहर में आ रहा है किसी सरकारी मीटिंग के सिलसिले में और 28 जनवरी को वापस जा रहा है, यानी 48 घंटे हैं तुम्हारे पास अपना पिछला अधूरा काम पूरा करने के लिए। यह मत समझना कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस काम के, इतनी रकम मिलेगी जिंदगी भर ऐश करोगे ऐश। ये मशीन गन दिखने में बहुत छोटी है लेकिन इसकी गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं बिना आवाज किए। उठा लो इसे, इसका गला बारूद उगलने के लिए मचल रहा है। सोच क्या रहा है शिवा? तेरा मनपसंद खिलौना तेरे सामने पड़ा है, उठा ले इसे। उठा ले शिवा, उठा ले। भजन सिंह, जब मैं चलना सीख रहा था तो अन्ना ने उंगली की जगह रिवॉल्वर की नाल थमाई थी मुझे। बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से बारूद की बदबू धोई है मैंने। मुझे दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर मत करना वरना कैरम बोर्ड तुम्हारे सामने होगा लेकिन स्ट्राइकर चलाने के लिए तुम्हारी हथेली पर उंगलियां नहीं रहेंगी। पागल हो गए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए अन्ना।
क्योंकि आज भी वही तेवर, वही जुनून, वही आग है इसमें। अब तुम देखना, मैं इस आग में अपनी राजनीति बुद्धि का तेल छिड़क कर इसे कैसे ज्वालामुखी बनाता हूं। उड़ा दे इसे। भाभी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, ऑफिस से घर आ रहे थे, अचानक कार उड़ाकर चली गई। एक्सक्यूज मी, केस बहुत सीरियस है, हमें दूसरे अस्पताल से सर्जन को बुलाना होगा। आप 30-40 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। 30-40 हजार रुपए? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आप फिकर मत कीजिए, महेश भैया के इलाज के लिए मैं अपना घर आज तक भेज दूंगा। साहब इसको मत तोड़िए साहब, ये हम गरीबों की रोजी रोटी है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब। ए, तेरे को बोला ना बीच में नहीं आने का, नहीं तो तुम्हें भूखा हो जाएगा। चला यहाँ से। नहीं मिस्टर, खबरदार जो हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो तुम्हारा ये गैरेज अनऑथराइज है और इसका डिमोलिशन ऑर्डर है हमारे पास, ये देखो। मगर साहब एक ड्राइवर, एक दो 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 दो। म्युनिसिपैलिटी वालों ने अपना गैरेज तोड़ दिया, मैंने उनको बहुत समझाया, गिराया कि मत तोड़ो, कहते हैं गैर कानूनी है। मेहरबान कदरदान, है कोई माइकलाल जो अपने बाजुओं की ताकत आजमाना चाहता है? अरे है कोई जवान जो इस पौलाद से टकराने की हिम्मत रखता है? अरे है कोई जवान? मेहरबान कदरदान, जो इस पहलवान को हराएगा वो 20,000 रुपए कमाएगा। अरे है कोई मर्द? मैं लड़ूंगा। हाँ मैं लड़ूंगा। तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा इस मिट्टी के लाल से। ठीक है, आ अंदर आ, आ जा। हाँ कपड़े बदल के आना। इसके 35 मिलेंगे, ये लीजिए। मेरा पहलवान नहीं हारना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं हारने के 40,000 दूंगा। 30-40 हजार रुपए? इतने पैसे कहां से आएंगे? गुरु क्या? ठीक है, पैसे इसको दे देना। एमेन, तुम कैसा बात करता है? पूरे 40 संगीन ले। अब अगला राउंड पानी।
होगा। मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। हो ये डिपॉजिट के पैसे। अब इसकी जरूरत नहीं है मैडम, आपके पति ने तो पैसे भिजवा दिए हैं। क्यों लिए आपने पैसे? जी आपके अस्पताल में मेरा भाई एडमिट है, मेरे पति का। सुधा ये कैसा बात करता है मैंने, तुम पैसा तुमने दिया अजय ने दिया एक ही बात है ना। नहीं मिस्टर डेविड, बहुत फर्क है। क्या इधर आओ मैन, क्या हुआ है? तुम हस्बैंड एंड वाइफ में क्या टेंशन चलता और किस बात का झगड़ा है हा? अरे अजय तो कितना अच्छा छोकरा है, तुमको तो अपना तकदीर पे नाज करना मांगता। लोग अपनों के काम नहीं आता और अजय तो दूसरों का वास्ते अपना जान देता है। मिस्टर डेविड, वो जान देता नहीं, जान लेता है। मेरे भाई के इलाज के लिए उसने जो पैसा डिपॉजिट किया है, न जाने किसका खून बहा के लाया है वो। हाँ खून तो जरूर बहा है, तुम जानना मांगता है ना कि किसका खून बहा है? हम बताएगा तुमको, बताएंगा कि किसका खून बहा है। चलो हटो बहन, देखो अपना आंखी से देखो कि किसका खून बहाता है। एहसान क्या समझते हो तुम, चंद खतरे खून के बहाने से तुम्हारे सारे गुनाहों के दाग खुल जाएंगे? उसने इन हाथों से, और तो और सुधा के पहले पति की मौत का कारण भी मैं ही हूं।
मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी भाभी। कैसी बातें कर रही है तू? आज करवा चौथ है, आज के दिन तो हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, और तूने व्रत नहीं रखा? आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं भाभी। लगता है अजय से कोई तेरी खटपट हो गई। लेकिन पगली, नाराजगी का मतलब ये नहीं कि तू अपने संस्कारों को भूल जाए। सच पूछ तो मेरा व्रत ही अजय के दम से है। अगर वो तेरे भैया की जिंदगी नहीं बचाता तो शायद तेरी भाभी के शरीर पर सुहाग का जोड़ा नहीं होता। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुझे पति नहीं देवता मिला है, देवता। अरे ये इस बात हम इस छोकरी को दिन रात समझाता है कि इसका आदमी ग्रेट है, नसीब वाले को ऐसा आदमी मिलता है। कम ऑन बेबी, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम प्लीज मिस्टर डेविड, मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। ये तुझे क्या हो गया है सुधा? मैंने कहा ना भाभी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? ये मेरा जाती मामला है। ये तुमको क्या हो गया है सुधा? ऐसा ऐसा बात करता है क्या अपना भाभी से? और क्या गलत बात बोला वो? तुम्हारा धर्म में तो पति को भगवान मानता है। और भगवान भगवान भगवान, जिसे आप लोग अपनी पलकों में सजाए बैठे हो, वो मेरी पूजा तो क्या किसी के नफरत के काबिल भी नहीं है। खिलवाड़ हुआ है मेरे साथ, खिलवाड़। चुटकी भर सिंदूर की जगह पाप के अंगारे और मंगलसूत्र की जगह अपने गुनाहों की रस्सी लपेट दी है उसने। हे कुनी, हे कातिले, मांग भरी है मेरी। और अब कहते हैं ऐसे आदमी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं मैं? अरे इससे तो अच्छा है कि मैं अपना गला घोट। नहीं सुधा, कह दे कि ये सब झूठ है। यही सच है भाभी, न जाने कितने लोगों के खून से हाथ रंगे हैं उसके। और तो और भाभी, रवि का भी खून उसी ने किया। सुधा, हम तुम्हारा तकलीफ को समझता, क्योंकि हम भी ऐसा पेन से गुजरा। तुमको क्या लगता हम रात दिन डेविड डेविड काहे को करता? क्योंकि आज हमको हमारा गलती मालूम पड़ता कि हमारा डेविड का खून का जिम्मेदार हम है। हम उसको बहुत प्यार करता था। शादी के बाद जब हमको मालूम पड़ा कि हमारा डेविड एक क्रिमिनल था, वो जेल जा चुका था, हमारा प्यार नफरत में बदल गया। उसने हमको बहुत समझाया कि देखो हम ये रास्ता छोड़ दिया, अब हम क्राइम नहीं करता है। लेकिन हम उसके बाद का भरोसा ही नहीं किया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही नफरत करता था हम उससे, जैसा आज तुम अजय से करता। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ मालूम? हमारा डेविड ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया हमारा डेविड ने, खाली हमको बताने का वास्ते कि अब उसने गुनाह का रास्ता छोड़ दिया है। तब जाके हमको अक्ल आया कि एक आदमी अखंड दुनिया से लड़ सकता है, मगर एक औरत का नफरत का आगे हार जाता है। नो बेबी नो, तुम हमारा माफी गलती मत करना। आज अजय को तुम्हारा प्यार तुम्हारा सहारे का जरूरत है। अगर तुमने उसको ठुकरा दिया तो उसका जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा लाइफ में भी कुछ नहीं बचेगा। मान जाओ सुधा, अपना पति का वास्ते ना सही, उस मोटर मैकेनिक का लंबा लाइफ का वास्ते दुआ करो, जो तुम्हारा होने वाले बच्चे का बाप है। मिसेस डेविड जी,
सुधा को भवानी का भाई उठा के ले गया, उसका जान खतरे में, तुम उसको बचाओ, हमारा फिक्र मत करो, ये सब है ना तुम। वाकई आपकी राजनीति बुद्धि को तो सलाम करना पड़ेगा। अरे इधर शिवा के हाथों पुराना सीएम शमशान पहुंचा और उधर आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन भजन सिंह जी, आप इस पद पर बैठने के बाद आपके राइट और लेफ्ट के दोनों कुर्सियां हमारे लिए खाली छोड़ देना। अरे तुम लोग कुर्सी की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बेंच का इंतजाम करा दूंगा। बैठना है बैठ जाओ, लेटना है लेट जाओ। भजन जी वाकई वही जुनून है अभी तक इसमें, लेकिन ठंडा पड़ जाएगा जब इसे पता चलेगा इसकी औरत कहाँ है। बोल कहाँ है मेरी बीवी, बोल। जिंदा है। हाँ अभी तक जिंदा है, लेकिन मौत उसके चारों तरफ गर्दिश कर रही है। देखना चाहता है वो मंजर। आगे नहीं जाना शिवा, आगे नहीं जाना। इन तारों में इतना तेज करंट दौड़ रहा है ना कि इसे छूकर तो लोहा भी राख बन जाएगा। बीवी उस गोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोप में कैद है। अगर तू चाहता है कि दोनों जिंदा रहें, तो जाके उस सीएम को उसकी जिंदगी की कैद से आजाद कर।
सीएम साहब फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। दिया ना तूने अपना असली रूप, उठा दिया ना हथियार, बहा दिया ना खून। तुझसे बड़ा मुजरिम तो आज मैं अपने आप को समझने लगा हूं। जो तुझे गिरफ्तार करने की बजाय तुझे आशीर्वाद दिया, भूल थी मेरी। जो मैं ये समझ बैठा कि एक मुजरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है, नहीं, आज तूने ये साबित कर दिया कि चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। अभी प्राप्त हुए समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री श्री एल के चौधरी पर किसी ने गोली चलाकर हत्या कर दी। इस हत्या के कारण शहर में सख्त तनाव फैल गया है। दुकानें बंद कराई जा रही हैं। बसों को आग लगाने और पथराव की कई घटनाएं भी हुई हैं। गृह राज्य मंत्री और पुलिस परिस्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है और कातिल की तलाश जारी है। पुलिस महानिदेशक का शहरियों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और पुलिस को सहयोग दें। हम सब यहां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के शोक समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जमा हुए। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पद का भार सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, दुख है इस बात का कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज ये शहर आग और खून में बह रहा है। कौन है वो जो खून की होली खेल रहा है? किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसिला रुकता नहीं? हथियार वही है, बदलते हैं तो सिर्फ गोलियां चलाने वाले हाथ। वाह भजन सिंह वाह, शब्दों से खेलने की जादूगरी तो कोई तुमसे सीखे। साहिबान, ये आदमी जो आपके सामने देशभक्ति और एकता की बातें कर रहा है, दरअसल यही वो शख्स है जिसने मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन शायद भजन सिंह ये भूल गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूत बना के भेजा था, वही मेरी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता साबित हुआ। और आज मैं उस नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, अजय। सॉरी भजन सिंह, तुम्हारा सीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Oh!
बचकर नहीं जा सकते भवानी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ तीन रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे। बाबा कुड़कुंबा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर है अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं। कल का छोकरा पता नहीं अपने को क्या समझता है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पागल है पागल। मैं पागल हो जाऊंगी निशा। किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरोइन को भी ऐसे नहीं बचाया होगा जैसे उसने मुझे बचाया। ओके बाबा ओके। ही इज टू मच, ही इज माय हीरो। बड़ा अपने आप को हीरो समझता है। पुलिस में सिर्फ दलेरी से काम नहीं चलता, अक्ल की भी जरूरत पड़ती है। अय्यो रब्बा, क्या उसमें जरा सी भी अक्ल नहीं है? मेरी अक्ल तो फेल हो गई निशा।
He's so handsome. He's so cool. He is Superman. You too much, yaar. मैंने सोचा था रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं, आराम से कट जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट तक मैम। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी ना है भाई। अरे बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, मैं तो फंस गया। बस तो मैं गई हूँ यार। ओ निशा, he's my dream man, he's my hero। तुझे पता है, जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई, ऊपर नीचे आगे पीछे। खुद के तो कोई आगे पीछे है नहीं, मगर दूसरों के तो बीवी बच्चे हैं, खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। ए चुप करो यार। राहुल, ये पापा को क्या हो गया यार? आई थिंक इट्स प्रोफेशनल जेलेसी। हाँ रास्कल, लकी रास्कल, कैसे सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओ थैंक यू। हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी? करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं, मुंबई है, यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को, इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहाँ है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सबको जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब के पुत्र, तू तो गया। करण सिंह,
तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सके। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर? अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हुए? पुलिस से बाहर रह के भी खुदकुशी कर सकते हो। देखो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो? गांव का चोर डकैत? वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है। वो तो अखबार वखबार पढ़ते हो या नहीं? पता नहीं तुम्हारे शहर में अखबार पहुंचता भी है या नहीं। एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है। मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है। मैं गावा फिरोजी की मौत हूं। ओके? Sorry. What sorry, man? You pushed me. You know what am I? I'm from Washington. Brother-in-law Bill Clinton. Yeah. So what? Hey, no way, man. No way. Yeah. Bill ek mantan hai. Bill to pagal hai. Bill to diwana hai. Khaya piya kuch nahi. I'm Bill de chuka hai sanam. Yeah. Nashe mein hai. Nashe mein hai. Host mein hai, man. Nasha dekhte hai to club 2000 jao. नशा वहां से कहां कहां सप्लाई होता है सब मालूम पड़ जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ। यू कैन डू इट मैन। देखा है क्लब 2000। मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। मैं पहली बार इस तरह की क्लब में आ रही हूँ, अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी फन मैन एंजॉय मेक द बेस्ट ऑफ इट। मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? गॉर्जियस। आई एम रियली नर्वस यार, बस पापा को ना पता चले। देख निशा, वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है। एक्सक्यूज मी, ए तू कहां जा रही है मुझे छोड़कर? रिलैक्स काजल, मैं अभी आ रही हूं। हैव अ ड्रिंक? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। और ड्रिंक तो यहां दिख नहीं पीता था, की पीता था क्यों का क्या। आई मिस्ड यू। कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? कोई टेंशन? टेंशन? इट्स ओके। तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट से ही सामान ले गए थे। गुड, रियली गुड। सिकंदर, जानते हो मैं हर बार तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ। मेरे साथ की सारी होस्टेसेस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो। फिर तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए। एक अजीब सा डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों। आखिर इन बैग्स में होता क्या है? मोहब्बत का नशा, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। आई लव यू। आई लव यू टू। Yeah.
यस सर, वो नीचे एसीपी करण। ओके, तुम बेसमेंट में से सामान क्लियर करो। राइट सर। ओह माय गॉड, मैं कैसी लग रही हूँ? यू थिंक करण ने मुझे नोटिस किया? व्हाट रबिश। एक्सक्यूज मी, हाय। हाय, याद है आप मुझे मिले थे कॉलेज में? कॉलेज में टेरेस के ऊपर। कॉलेज में कौन सा? हाँ, टेरेस कॉलेज जा, कॉलेज टेरेस जा। कौन सा कॉलेज जा के मंगल मानो में? अरे कौन सा कॉलेज जा, कॉलेज किधर गया? ठीका पास। एक्सक्यूज मी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? हाँ पहचाना नहीं। याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे, टेरेस पे जब वो गुंडे आ गए थे? गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरेस पे बात में लगा चाइनीज गुंडा। टेरेस किधर गया? हाय करण जी, उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं एहसान नहीं थैंक यू करना चाहती हूँ। आई एम अर्जुन सिंह पापा। नहीं, अर्जुन सिंह इज माई डॉक्टर। नहीं नहीं, आई एम काजल, आई एम अर्जुन सिंह डॉक्टर। नाइस टू मीट यू। सेम है। प्रियंका, प्रियंका, ओ ओ ओ, कॉलेज चला तेरी ता बुंदा तब तब उंदा ओ तब कहो ये तकहो तक तक वो ये वो अलो चला। प्लीज पापा से कुछ मत कहना। ओके बाय, थैंक यू। सेम है। गावा साहब, वो एसीपी करण सिंह ने अचानक क्लब में धाड़ मार दी और हमारा 15 करोड़ का माल भी पकड़ा गया सर। हमारे 6 आदमी भी मारे गए सर, और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। जान बचा कर है? जान बचा कर है? माल ले जा, जान बचा कर है? माल से ज्यादा किसी के तेरी जान? माल से ज्यादा किसी के तेरी जान? खून का रंग मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है यार। ये इसी पे गन कौन है? May I come in, father? Yes, come in, please. Some donation for the kids. Oh. इतनी सारी रकम? घबराइए मत, मैं एसीपी करण सिंह हूँ। ये इनाम की रकम है जो हम पुलिस वालों को मुजरिमों को पकड़ने से मिलती है। थैंक यू माई सन। गॉड का काम करने का तरीका भी बड़ा मिस्टीरियस है। अब देखो ना, बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। Excuse me, father. वो तुमने पूरे कर दिए। ओह, हैप्पी बर्थडे सन। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ये कबीर है। एक्चुअली मैं नहीं जानता इसका बर्थडे क्या है। दरअसल 6 साल पहले आज ही के दिन ये हमें एक गार्बेज बॉक्स में पड़ा हुआ मिला था, और मैं इसे यहां ले आया। एक अनाथ को जिंदगी मिल जाए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? यू आर राइट सन। यू लाइक दिस टेडी? ओफो, टेडी से क्या होना यार, यहाँ पे टेडी, घर में डैडी। काश वो आ जाए, मैं हो जाऊंगी रेडी। मेरी लाइफ हो जाएगी लड़की। माय गॉड, मेरा हीरो, मेरा हीरो। ओह गॉड, नाउ व्हाट? अरे ऐसी नाचती रहेगी ना, जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। गो टेल हिम। क्या? दैट यू लव हिम। दैट यू लव हिम। अच्छा, तेनु किन दस्या? मेरा हीरो। हाय हाय। अब प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो हर जगह है। ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, उधर प्रॉब्लम है, एवरीवेयर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी बड़ी? 5 फुट 5 इंच। मैंने तुम्हारी हाइट नहीं पूछी, तुम्हारी प्रॉब्लम पूछी है। एक्चुअली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो आप समझ नहीं रहे, और जो मैं समझ रही हूँ वो आप कहना नहीं चाहते। तो एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो मतलब क्या है? मतलब मेरी एक फ्रेंड है निशा, वो मुझसे कह रही थी मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके बच्चों की माँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। इसने कहा
You know she loves you. Isne kaha, maine kuch nahi kaha. But you know you really got a problem. Hey, what problem? Everywhere there is a problem. कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम, कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपटीशन, कंपटीशन, एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड प्रॉब्लम। पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? आई एम फ्रॉम इंटरपोल, ऑल पोल खोल। यू नो द प्रॉब्लम, आई नो द प्रॉब्लम। शी इज लविंग यू, यू आर नॉट लविंग हर। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। देयर आर एवरीवेयर शॉपिंग सेंटर्स, बट नो लव सेंटर। We need love center. What do you think? Love is also valtochit. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. Kaho na pyaar hai, kaho na. Bas kar apna drama, nahi to marunga terko. Mujhe maar kar kya milega? Osaka Shipping Corporation ke godown mein itna asla aur barut pada hua hai. Zara se bhi der ho jaye, to desh ke hazaron masoom jaan se jayenge. Osaka Shipping Corporation. Middle down karo, taxi phir milega. किसी न किसी मोड़ पर। देखो बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिस मैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ना कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे? अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया, चलें। क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम।
हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। उस हरामखोर ने हमारे इतने गोदाम जला दिए, करोड़ों का नुकसान कर दिया, और आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? खेल को और मजेदार बनाने का। शिकार का मजा तभी आता है जब वो जल से पकड़ में ना आए। जिंदगी में करण जैसा शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। उड़ने दो से, जितना ऊंचा उड़ेगा उतना उसे नीचे गिराने में मजा आएगा। सिकंदर, कहीं इतना ऊपर ना उड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए। मौत से कोई ऊपर नहीं उड़ सकता सिकंदर। बस थैंक यू। ओए माँ, मैं मर गई। ये क्या हुआ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं जानती थी आज कुछ होगा। सुबह से ना मेरी बायां फड़क रही थी। कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है। यू थैंक यू। ये कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। ये यही करण सिंह है। अच्छा अच्छा, बेटी अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है ना, थम जाए तब चले जाना। नहीं नहीं, अभी कम है, बाद में तूफान आएगा तो फिर जा नहीं पाएगा। वही बेटी अंदर आ जाओ, आप भी आ जाओ, जल्दी आ जाइए। एक्सक्यूज मी। नहीं आओ, मेरे दिल में आओ। ओ राहुल, ही सो क्यूट। बेटी लो कपड़े बदल लो, तुम्हारे कपड़े भीग गए ना, मैं सुखाकर प्रेस करवा लेती हूँ। चेंज में कहाँ? वहाँ है बाथरूम। ये मेरी बेटी है काजल। हाय, यू कम टू माय हाउस, इट्स गॉड्स नेचर, समटाइम आई लुक एट यू, समटाइम एट फर्नीचर। ये तू क्या कह रही है? मम्मी गालिब का शेर है। ये मेरा बेटा है राहुल। हाय, ये राइट चॉइस बेबी। सेम है। ओए राहुल, उसे मेरा कुर्ता पजामा देने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या मैं उसे अपनी साड़ी दे देती? आप भी ना है भाई। ये दिन ऐसे काटे हुए क्यों हैं? पापा अपने रिटायरमेंट के दिन रोज गिन गिन के काटते हैं। बारिश थम गई है, तुम्हें देर हो रही होगी। तड़के की खुशबू आ रही है। खाना लग गया है, चलो। इन्हें देर हो रही है, रोकोगी तो फिर बारिश शुरू ना हो जाए। अरे पहली बार हमारे घर आए, बिना खाए कैसे जाने दूंगी मैं? जब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? तुम चाहो तो कर सकते हो। अरे वैसे सर, खाने में क्या क्या बना है? तुम चलो तो मेरे साथ, माँ की दाल बनी है। भाई दाल तो वाकई बहुत स्वाद है, वेरी टेस्टी। ये आपने दही बड़े तो लिया ही नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे खाना तूने ही बनाया। तो क्या हुआ, बनाया नहीं? सर्व तो कर रही हूँ ना। वैसे मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये लो। ये क्या बेटे, खाते हुए हाथ नहीं रोकते, अब शकुन होता है। तुमने पनीर तो लिया ही नहीं। क्या हुआ? लगता है इनके गले में खाना फंस गया। आप पानी पी लीजिए ना। हाँ पापा, पानी पी लीजिए। आप कुछ लेते क्यों नहीं पापा? पी लीजिए ना पानी। अभी बताता हूँ पापा के बेटे। अरे लो बेटा, मीठा खा लो। अगर मैंने ये सब खा लिया ना तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा। आपके लिए गेस्ट रूम में बिस्तर लगवा दो। आप भी जरा मुंह मीठा कीजिए ना, अपना राहुल है ना। अच्छा माँ जी, मैं जाता हूँ। जाता हूँ नहीं, फिर आता हूँ कहते, और आते रहना। हाँ जी, खुश रहो। बाय राहुल। बाय बड़ी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पापा को रोज छोड़ने आओ? हो सकता है, पर तुम्हारे पापा की सिर्फ दो ही टांगे हैं ना, हर रोज तो नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ हो। क्या हुआ?
सिकंदर भाई। जब तक होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे करण को बचा लीजिए। डॉक्टर गॉड पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। एसीपी करण सिंह का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला, पुलिस चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही है। जैसे कुछ मैसेज मिलेगा मैं आपको फोन करके। और काजल, 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 करण, तुम ठीक हो गए ना? I'm so happy, thank God. मुझे लगा था कि नहीं, I'm so happy. करण, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं भी अपनी जान। सेम है। अरे सेम है? अरे तो इन्हीं की दुआओं का फ्लेम है, जो मिल गया तुझको जिंदगी का नया फ्रेम है। जल्दी से आई लव यू बोल डालो, यही तो करेक्ट टाइम है। आई लव यू। दिन हो मोहब्बत की रातें कभी खत्म ना हो, मोहब्बत की बातें ये मेरी जिंदगी अब तेरे नाम है। तू है मेरी सुबह, तू मेरी शाम है। दिलबर तुझे जिंदगी अब तेरे नाम है।
तू है मेरी सुबह, तू मेरी शाम है। दिल पर तुझे प्यार करना अब मेरा काम है। ससुरवाली आ गए, उतर के ससुर का आशीर्वाद लो। अरे तुम्हारे प्यार में ससुर का क्या कसूर, समझे क्या हुजूर? ओके बाय। ओके बाय? जब कभी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आता है तो क्या ओके बाय बोलता है? तो फिर तुमने कभी इंग्लिश पिक्चर नहीं देखी है? अरे घे 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 घे, अरे घे उन टाक उठे टाकला। ओके बाय। सेम है। अरे साहब तुम भी क्या मानुस है, कि बोलती कुछ है तुम करता कुछ है। अरे दिल का सौदा है कर डालने का। मैंने तो मौत के साथ सौदा किया था, बच कैसे गया साला? लगता अच्छी नस्ल का शिकार है, बड़ा मजा का खेलने का। आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो भाई। छोटे खतरनाक उसके लिए है, अपने लिए नहीं। मुझे इस खेल का अंजाम मालूम है। खबरदार रहेगा करण से मिली तो। आखिर मेरा कसूर ही क्या है पापा? आई लव हिम। शट अप। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है पापा। आई से शट अप। काजल। मां। मां तू अंदर जा, मैं बोल रही हूं ना, अंदर जा। आप बिना आए वही, आखिर क्या बुराई है करण में? तुम समझती हो मैं काजल का दुश्मन हूँ? पर करण तो अच्छा लड़का है,
करण से काजल की शादी होगी। करण से इसकी शादी खुदकुशी होगी, वो एक पुलिस वाला है। काजल पहली लड़की नहीं होगी जो एक पुलिस वाले से शादी करना चाहती है। मैंने भी तो एक पुलिस वाले से शादी की थी। मुझ में और करण में फर्क है। वो पागल है रुक्मणी, मैं उसका पार्टनर हूँ। हर रोज सुबह जब मैं उसके साथ ड्यूटी पर जाता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि शाम को जिंदा लौटूंगा या नहीं। वो जीती जागती मौत है जिसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। वो काजल की जिंदगी की क्या परवाह करेगा। मैं जीते जी अपनी बेटी को आग में नहीं झोंक सकता। बस तो आप अपने डर के लिए काजल की खुशी छीन लेना चाहते हैं। रुक्मणी तुम समझती क्यों नहीं, तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी को विधवा होने का आशीर्वाद देकर डोली में बिठाऊं। नहीं, किसी कीमत पर नहीं। नहीं करण भैया, मैं किक नहीं मार सकता, मैं नहीं खेल सकता। कबीर तुम किक मार सकते हो, दूसरे बच्चों की तरह तुम भी मार सकते हो। चलो। नहीं भैया, मैं किक नहीं मार सकता। बेटे तुम्हें किक मारनी होगी। नो भैया, आई कांट। देखो अगर तुम किक नहीं मारोगे ना तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। नो भैया, आई कांट। यू हैव टू किक कबीर। I can't, भैया, I can't. You have to kick. No, भैया, I can't. चलो, come on, kick. No. You have to kick. No, भैया, I can't. You can do it. मैं kick नहीं मार सकता. Come on, Kabir. You can do it. Come on, kick. तुम यहाँ? जी हाँ. मैं जानती हूँ तुम हर संडे को आश्रम के बच्चों के साथ खेलने आती हो। करण एक बात पूछूं? तुमने उस बच्चे को किक मारने के लिए इतनी जबरदस्ती क्यों की? उसका हौसला बढ़ाने के लिए। उसकी जिंदगी में जब भी उसका हौसला पस्त होगा उसे ये किक याद आएगी। उसे याद आ जाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है, एक अपाहिज नहीं है मेरी तरह। मतलब? जिस दिन मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए मेरे जीने का हौसला टूट गया, एक अपाहिज की तरह। आई एम सो सॉरी करण। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे, उनका सपना था कि मैं एक एथलीट बनूं। जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाया वो देखने के लिए जिंदा नहीं थे। मेरे माता पिता को किसी मुजरिम ने मार डाला था। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उस हत्यारे की तलाश में। जो नफरत मेरे दिल में मुजरिमों के लिए है वो मेरे माता पिता के प्यार से जन्मी है। तुम्हें पता है करण, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे मिलती हूँ। वो चाहते हैं मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन आई डोंट केयर। वो ठीक ही तो कहते हैं, तुम्हें तो मेरे साइड से भी दूर रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम हो किसकी साइड पे, मेरी या पापा की? अब कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा कुछ मत बोलो, आई लव यू बोथ। सेम है। आई लव यू भी नहीं बोल सकते, बुद्धू कहीं के। ओ, ये पुलिस स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन, जिसे देखो चला रहा है। तुमको बहरामबाड़ी भेजा था ना कंप्लेंट अटेंड करने, क्या हुआ उसका? लेकिन सर मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। ए नायक, अरे अरे वो ये बैग नीचे, सारी जिंदगी तुझे पाला पोसा और आगे भाग के इसके साथ। चुप करती है कि नहीं? चुप बैठ। चल चल, सलाम साहब। क्या चार्ज है इस पर? किडनैपिंग सर। सारी बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ए चुप बैठ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। सर ये लड़की की माँ है। तो क्या हुआ, माँ है? किसका मर्डर किया इसने? मर्डर नहीं, किडनैपिंग सर। ये देशमुख साहब की लड़की है ना, उसको भगा कर ले जा रहा था। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसे तो हथकड़ी बेड़ियां डालकर डंडे मारकर घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा कि किडनैपिंग क्या होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं उसे प्यार करता हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। घर बसाने के लिए माँ बाप के घर से भगा कर ले जाएगा? सुनिए सर, ये गैर कानूनी है सर। कानूनी? मेरे को कानून सिखाता है, मेरे को कानून सिखाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप मेरा गुस्सा इस लड़के पे उतार रहे हैं। व्हाई? टेल मी व्हाई। हाँ, आपने केस देखा ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लड़का बेकसूर है, तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए ना, मुझ पर। हिट मी। इसे मारकर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, सच से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सच सभी जानते हैं। सर, सर हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं बालिक हूँ सर। अगर आप बालिक हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे माँ बाप ना कानून।
Yes. Okay. Don't worry. I'll be there. Hmm. Yes. Hmm. Okay, fine. Sir. Okay. इंस्पेक्टर, तुमने उस आदमी को बिना चेक किए क्यों जाने दिया? सर, आप इन्हें नहीं जानते? ये हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिकंदर हैं। यही तो सीएम साहब की पार्टी के खास मेहमान हैं। इनकी सिक्योरिटी चेक करना तो तौहीन होगी सर। अच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पहचान करनी ही पड़ेगी। Have we met before? क्या पहले हम मिल चुके हैं? जो एक बार मुझे मिलता है वो कभी भूलता नहीं। आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं कि सबको याद रखना मैं जरूरी नहीं समझता। Hi, how are you? आप जैसे लोग दुआ करते हैं कि मुझसे कभी मुलाकात ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए मिस्टर। इस शहर की आबोहवा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी सेहत की गोलियां अपने साथ रखता हूं। फर्क इतना है कि वो मुझे नहीं, दूसरों को खानी पड़ती हैं। एनी प्रॉब्लम सिकंदर? भीतर आपका इंतजार हो रहा है। ऑफिसर, टेक योर पोजीशन। ओके सीएम साहब, आप चलिए, मैं अभी आया। ओके, ठीक है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा। ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं। सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। यू कांट टच मी। मैं तुझे छूने नहीं, मिट्टी में मिलाने आया हूं। जमीन के दो गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं कावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जल्द उनकी खुराक बनाऊंगा। अच्छा सपना है, देखते रहो। मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूं। हेलो काजल, मैं निशा बोल रही हूँ। क्या बात है, बड़ी घबराई हुई सी लग रही है। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? मुझे डर लग रहा है काजल, कहीं कुछ हो ना जाए। देख, घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम ले यार। मैं अभी तेरे घर आती हूँ, फिर हम दोनों पापा के पास जाएंगे। यू नो ना, पापा इज इन पुलिस, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेंगे। थैंक यू काजल, थैंक यू। ए चुप, यू इडियट, जस्ट वेट, मैं आती हूँ। हाय हनी, कहीं जा रही हो क्या? लीव मी, just leave me alone. I can't live without you, honey. I love you, really love you, honey. I love you. Bullshit. तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। What is this? सिर्फ एक चीज। What do you mean by इस्तेमाल करता रहा हूँ? Come on, honey. Let's have fun. Don't judge me. Don't. मैंने सोचा था, शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा। शायद मेरे लिए तुम अपने रास्ते बदल दोगे। गट्टा शिट, प्यार व्यार, I don't believe in all this. Just forget it. तुम भूल गए ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे, अभी तक उस गंदगी को तुमने गिरवाया नहीं। ओके, हम आज ही तुम्हारा एबॉर्शन करवाए देते। नहीं, ये मेरे लिए गंदगी नहीं है। सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लो। हट! अगर इसी तरह मैं हर उस लड़की से शादी करने लगा जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस शहर के ना जाने कितने नाजायज बच्चों का बाप बनना पड़ेगा मुझे। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। You bloody bitch! बोल, क्या कर लेगी वरना? बोल, बोल। मैं चिक चिक के तुम्हारे बारे में सारी दुनिया को बता दूंगी। क्या? सिकंदर की दुनिया वन वे स्ट्रीट है। इसमें लड़कियां आ तो सकती है लेकिन वापस जा नहीं सकती। कहाँ जाना है तुम्हें? हम भेजेंगे। आई
बोला था ना बहुत जल्दी थी ना जाने की, मना किया था कि कहीं नहीं जाने का। नामा पूरा हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। सर, सर, नीचे एम्बुलेंस आ गई है। इंस्पेक्टर कदम को चार्ज दे दो। ओके सर। पापा निशा। घबराओ नहीं बेटे। जो कुछ तुम्हें याद है इत्मीनान से बताओ। एक्सक्यूज मी सर, लाश के पास से हमें ड्रग्स की सिरिंज मिली है। ड्रग ओवरडोज का केस लगता है, इसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भिजवा दो। ओके सर। नहीं पापा, निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। हो सकता है तुम्हारे सामने ना लेती हो। नहीं पापा, मुझे पता है निशा ड्रग्स नहीं लेती थी। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। मैं यहाँ की कार्रवाई खत्म करके फिर आता हूँ। तुम ठीक है रही हो काजल, निशा ने ड्रग्स खुद नहीं लिए क्योंकि सिरिंज का निशान उसके गले पे था। काजल, जब तुमने उससे फोन पे बात की तो उसने कुछ तो कहा होगा? वो बहुत डरी हुई थी, उसने मुझे जल्दी आने को कहा, लेकिन मैं, उसे कोई खतरा था। किससे? कोई नाम, कोई पहचान? मुझे नहीं पता। काजल देखो, तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो, इसलिए गौर से सोचो, तुमने कुछ ऐसी कुछ अजीब सी चीज देखी हो जिससे तुम्हें कुछ? नहीं, सिर्फ एक आदमी मुझसे टकराया था जब मैं लिफ्ट में जा रही थी, लेकिन वो। इसका मतलब तुमने कातिल को देखा है? नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो उसने भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा? पता नहीं। तुम इस केस की चश्मदीद गवाह बनोगी? नहीं, लेकिन मैं उसे। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? जाओ घर जाओ। काजल निशा के कत्ल की चश्मदीद गवाह है अर्जुन सिंह जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? काजल, क्या तुमने कत्ल होते हुए देखा है? इसने कत्ल नहीं देखा, लेकिन कातिल को लिफ्ट से निकलते हुए जरूर देखा है। मैं इससे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा है? नहीं पापा। तो फिर ये चश्मदीद गवाह कैसे बन गई? इससे गवाही देने की जरूरत नहीं, हम ये झूठी खबर मीडिया में फैला देंगे कि पुलिस के पास कत्ल का चश्मदीद गवाह है। तुम्हारे शहर में पुलिस वाले कौन सी किताब पढ़ते हैं? एक झूठी खबर मीडिया में फैलाकर कि पुलिस को चश्मदीद गवाह मिल गया, क्या हासिल कर लोगे तुम? मेरा ख्याल है मुंबई की पुलिस ने भी वही किताब पढ़ी है जो साड़ी पुलिस ने पढ़ी है, आप खुद सोच लीजिए। तो तुम मेरी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो ताकि खबर पढ़ के कातिल इसके पीछे लग जाए और तुम उसे पकड़ लो। इसका मतलब है हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी है? नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे परिवार की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हो। खबरदार, अगर मेरी बेटी को इस केस में उलझाने की कोशिश की, याद रहे भूल कर भी कोई उल्टा सीधा बयान मत देना, मुंह मत खोलना बिना मुझसे पूछे। जाओ अब। क्या निशा का मर्डर हुआ था? हाँ, उसने ड्रग का ओवरडोज खुद नहीं लिया था, कोई और था जिसने उसकी गर्दन पर सुई लगाकर उसे ओवरडोज दिया। जाहिर है कि ये वही शख्स है जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी। ओह माय गॉड, निशा प्रेग्नेंट थी? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है कि शी वाज प्रेग्नेंट। मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती, इसीलिए उसने मुझे फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया था, उसे अपनी जान का खतरा था। अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, उसका खूनी आज भी आजाद घूम रहा है, शायद फिर किसी निशा को अपनी हवस का शिकार बनाने की तैयारी कर रहा होगा। नहीं करण, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, जिस तरह जैसे भी तुम कहो।
मगर तुम्हारे पापा तुम्हें गवाह नहीं बनने देंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन करण, शादी से पहले तो एक लड़की पर उसके पिता का हक होता है ना, उसे उनकी मर्जी से चलना पड़ता है, लेकिन शादी के बाद उस पर उसके पति का हक होता है। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं बालिग हूँ, ओल्ड इनफ टू मेक माई ओन डिसीजन, बस तुम एक बार मुझसे पूछ कर तो देखो। अगर आप इस शादी में नहीं चाहेंगे तो कन्यादान कौन करेगा? मुझे अफसोस है रुक्मणी कि तुम भी काजल के इस बचपने में उसका साथ देना चाहती हो, और चाहती हो कि मैं भी वहां खड़ा रहूं जब वो अग्नि के सामने सात फेरे ले, ये जानते हुए भी कि उसी अग्नि में कुछ पल बाद उसकी सारी खुशियां जलकर राख हो जाएंगी। काजल को करण पर भरोसा है और मुझे उसके भरोसे पे भरोसा है, इसलिए आज एक माँ का आशीर्वाद उसके साथ होगा जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर रही होगी। नहीं, ये शुरुआत है एक अंत की, और मैं इस बर्बादी का गवाह नहीं बनना चाहता। अगर ये शादी होगी तो मेरे बिना होगी। आओ बेटी। Excuse me. Happy married life. Taxi तैयार है, मिट डाउन है, ओके? Honeymoon, yeah. काजल, ये मेरा घर है, लेकिन आज से तुम्हारा। नहीं, हमारा। चले। करण, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा। I'm so happy. करण, हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी हो गई है। I'm so thrilled. अच्छा, एक बात बता, मैं बिल्कुल वैसी बीवी हूँ जैसा तुमने सोचा था, या उससे बेहतर? बेहतर ना? सेम है। सेम है? मेरी जैसी और कोई दूसरी नहीं हो सकती करण, मजाक में भी मत कहना। मैं जिंदगी में सब कुछ बांट सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। क्या देख रही हो? देखें भी तो क्या देखें तुम्हारे सिवा। ये क्या क्या सिकंदर तूने? अरे ये क्या क्या सिकंदर तूने? पहली गलती तूने ये की कि तूने उस लड़की को अपने हाथों से मार दिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि जिंदगी में कुछ भी करना, मगर अपने दामन पर कभी खून के दाग नहीं लगने देना। वो मेरा काम है, मेरा काम। क्या किया तूने यार? तुझसे कहा था ना मैंने? कहा था कि नहीं? कहा था। तो फिर काय को किया ऐसा? ऊपर से दूसरी गलती, उस चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़ाया, और गवाह भी कौन? एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और दूसरी पुलिस ऑफिसर की बीवी। तू भाई की सुनता कहाँ यार? गलती हो गई भाई, लेकिन मेरी गलती है, मैं ही ठीक करूंगा। अरे तू क्या ठीक करेगा? तू क्या ठीक करेगा? ये कोई गणित का सवाल नहीं, जो तू रबर लेके उसे साफ कर देगा। ये खून के दाग है छोटे, ये खून के दाग है, ये ठीक कर देगा। अरे देख क्या रहा है, जाकर टपका दो उन दोनों को। से हिलना मत, ये लो। आ,
कहा था मैं एक बुरा सपना हूँ, कहा था ना। करोड़पति, करोड़पति में आपका स्वागत है। आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल, राम कहां बसे थे? ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी रोम। जवाब गलत है। राम रोम में बसे थे। यस अंकल। आप लोगों ने गाना नहीं सुना, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। नहीं बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही थे, राम भारत में बसे थे और हर बच्चे के मन में बसे हैं। इसलिए आप लोगों को एक एक पेप्सी दिया जा रहा है। अगला सवाल, गाड़ी का एक टायर पंचर होने के बावजूद भी दिल्ली से आगरा तक नॉन स्टॉप गाड़ी पहुंची। आपको ये बताना है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था? ये आगे का लेफ्ट टायर, बी आगे का राइट टायर, सी पीछे का टायर या फिर डी डिक्की में का टायर। डिक्की में का टायर। अभी भी आपके पास तीन लाइफ लाइनें हैं, आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी डिक्की में का टायर लॉक कर दिया जाए। आप 80,000 जीत रहे थे, अब आप 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। बिल्कुल सही जवाब, डिक्की में का टायर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, एक शिकारी ने एक शेर का एक गोली से पंजा और सर घायल कर दिया। आपको बताना होगा ई, क्या शेर भाग रहा था, बी शेर सो रहा था, सी शेर नाच रहा था या डी शेर खुजा रहा था। शेर भाग रहा था। कंप्यूटर जी, लॉक कर दिया जाए, शेर भाग रहा था। यस। ये गलत जवाब है, शेर खुजा रहा था। उसका गोली लगी पंजे पे और सर पे। पैडलक पैडलक। अगला सवाल है, रावण की लंका किसने ढाई? ऑप्शंस हैं, कर्ण भैया ने ऑप्शन देने से पहले बोल दिए, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। कोई लाइफ लाइन नहीं यूज करोगे? कोई लाइफ लाइन नहीं बची है रावण के लिए। आर यू श्योर? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। लॉक कर दिया जाए? उनको ऑलरेडी लॉक कर दिया कर्ण भैया ने अंकल। नहीं कहोगे? Have you met before? आज तुम मेरे खास मेहमान हो। कहां गए तुम्हारे पावर वाले आदमी? कोई तुझे बचाने नहीं आया? तुझे और तेरे भाई को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए मेरे पास काफी सबूत है। कहां छुपा है तेरा भाई? I hate your face. गौर से देख ले इस चेहरे को, तेरी आखिरी सांस तक ये चेहरा तेरी आंखों के सामने होगा। इसे कोर्ट ले जाने के लिए तैयार करो। मिलोट, एसीपी करण सिंह ने मुझसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराने की जबरदस्ती कोशिश की और जब मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया
तो इसने मार मार कर मेरी हालत कर दी मिलॉर्ड। He's framing me in a fake case. मिलॉर्ड, डोंट नो मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल की हालत और बयान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस कस्टडी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार हैं एसीपी करण सिंह। एसीपी करण सिंह, क्या ये सच है कि आपने मुलजिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? नो योर ऑनर, ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पे हाथ उठाता तो ये साल में नहीं होता, क्योंकि मैं मारता तो ये मर जाता। यू वॉन्ट टू किल मी योर ऑनर, ही वॉन्ट्स टू किल मी, सी सी, ही वॉन्ट्स टू किल मी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, किल मी, आई सेड किल मी, ही वॉन्ट्स टू किल मी, कम ऑन किल मी, I say kill me, kill me, I want to die, kill me man, hold, hold, order, order, I want to die, I want to die, oh my God, मिलॉर्ड, पुलिस कस्टडी में मुझे मेरे मुवक्किल की जान खतरे में नजर आती है, इसे डॉक्टरी जांच की जरूरत है, और हो सकता है कि इसको अंदरूनी चोटें भी आई हों, इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ मिलॉर्ड, कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल ले जाने की इजाजत दी जाए, ना कि इनकी पुलिस कस्टडी में। You want to kill me? Permission granted.
करण, मैं कहता हूं अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल यू सर। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीपी करण सिंह को मांगा था वो पूरा हुआ। गावा फिरोजी को पकड़कर करण सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है उससे खुश होकर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का डीसीपी बना दिया है। पुलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है। डीसीपी करण सिंह स्टेज पर आकर अपना मानपत्र हासिल करें। हमारे देश को ऐसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत है। वेल डन करण सिंह, वेल डन। दामाद की तरह के मुबारक हो अर्जुन सिंह जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि डीसीपी करण सिंह दो शब्द हमारे अफसरों को कहें, प्लीज। एक ऑफिसर का काम बोलना चाहिए, जुबान नहीं। जय हिंद। जय हिंद। जिसका अफसोस करने के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। मासूम को? What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था। अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम, मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, पर मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझमें और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझमें और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धर से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा सर। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे तेरे साले को मिले। अरे तेरे को भी मैं मारूंगा। मेरे भाई को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फॉरेन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर। We'll be right back.
क्या है? गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। चलो आ जाओ। एक मिनट सर। गावा फिरोजी, सर चेहरा और जिस्म बुरी तरह से जल चुका है। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, उसको पोस्टमार्टम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भेजो। ओके सर, ले जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रग्स की गंदगी भी खत्म हो गई। सर, हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली हैं, पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी करण, जब रावण ही मर गया तो उसकी लंका कब तक बचेगी? पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगा। आप सोच क्या रहे हैं गावा साहब? उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां। उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकाम नहीं। उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हराम खोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। क्यों रे, बहुत जल्दी छोड़ गया तू मुझे। देख, देख कैसे तड़प रहा तेरा भाई अकेला तेरे बिना। ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगा वो, तब जाके खैरात में मौतूंगा मैं उसे। उसके बाद ही अपनी शक्ल देखूंगा मैं तुझे। अकेला आदमी अपने काबिलियत के बूते पर क्या कर सकता है, ये डीसीपी करण सिंह ने करके बताया। इन्होंने मुंबई शहर से सारे जुर्म और आतंकवाद का सफाया किया है। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे डीसीपी करण सिंह को आउटस्टैंडिंग सिटीजन अवार्ड से सम्मानित करें। थैंक यू दीदी। करण, काश तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी होते जिन्हें इतना भी याद रहता कि ये गैरतमंद यतीम किस हाल में जीते हैं। इन बच्चों के रहने के रूम्स, उनके स्कूल का फर्नीचर, उनकी छोटी छोटी बेसिक नीड्स भी हम पूरी नहीं कर पाते। करण, तुम तो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे तो वो जरूर इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। यू राइट काजल, हम एक फंडरेजिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फादर, आप फिक्र मत कीजिए, आखिर हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथों में तो है। गॉड ब्लेस यू माय सन। बिलीवड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्या आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं, उन बच्चों का सहारा ईश्वर अपने प्रिय लोगों को बनाता है, और इसी कॉज के लिए ईश्वर ने आप सबको चुना है। माई डियर फ्रेंड्स, Remember, God always helps them who help themselves. Thank you, sir. Thank you. आज का शुभ दिन मुझे हमेशा याद रहेगा।
गॉड ब्लेस यू ऑल। ये तुम्हारी एफर्ट्स का नतीजा है माय सन। क्या आज हम बच्चों के लिए 3,25,000 रुपए इकट्ठा कर पाए? द क्रेडिट गोज टू यू। कन भैया, ये कोई बैग देकर गया। अच्छा, हाय बेटा, हाउ आर यू? माय गॉड, इसमें तो किसी का नाम पता भी नहीं। लगता कोई गुप्त दान देकर गया है। कौन हो सकता है जो आश्रम के बच्चों को इतने लाखों रुपए दान कर दे? इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फादर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऑल योर्स। कब हुआ ये? आई थिंक इन द मिडनाइट बिटवीन 12:30 एंड 1। सुबह जब सिस्टर ट्रेजर ने दरवाजा खोला तो उन्होंने फादर जोसेफ को हैंग पाया। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। एक्सक्यूज मी, डीसीपी करण सिंह। यस। धनंजय कदम फ्रॉम सीबीआई। हमें फादर जोसेफ का एक सुसाइड नोट मिला जिसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। आप हमारे साथ चलिए। चलिए। डीसीपी करण सिंह पर अनाथालय के फंड का गबन करने, वहाँ के बच्चों को विदेशों में बेचने और साथ में ड्रग्स का व्यापार करने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सीबीआई को डीसीपी करण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दे दिया है। करण, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज तक मैं अनाथालय को मिलने वाले दान की रकम को गबन करने में और अनाथालय के बच्चों को विदेशों में बेचने में तुम्हारा साथ देने का पाप करता रहा, मगर अब जो तुम मुझे करने पे मजबूर कर रहे हो उसे मेरा जमीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है। फादर ऐसे लिख ही नहीं सकते। आपके कहने का मतलब है ये सुसाइड नोट झूठा है और इस पर फादर के जो दस्तखत हैं क्या वो भी झूठे हैं? जब ये चिट्ठी ही झूठी है फिर ये फादर जोसेफ से आपका क्या रिश्ता था? इंसानियत का। हमारा मतलब आप दोनों क्या बिजनेस करते थे? वो कोई बिजनेस नहीं था। अनाथालय के लिए कोई 50 लाख का गुप्त दान कर गया जिसका आप और फादर के सिवा किसी को पता नहीं था। गुप्त दान लेना और देना कोई जुर्म नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जो 25 लाख रुपया जमा हुआ क्या ये भी गुप्त दान था? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ये गुप्त दान है या कुछ और मिस्टर करण? देखिए, आप वहां गंदगी ढूंढ रहे हैं जहां कुछ है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? फादर जोसेफ ने अपने खत में कबूल किया है कि वो आपके साथ मिलकर अनाथालय के बच्चों के साथ ड्रग्स लेने और ले जाने का काम करने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। ये ड्रग्स फादर जोसेफ के ऑफिस से बरामद हुए मिस्टर करण। ये झूठ है, कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुम्हारा कोई दुश्मन? पता नहीं। तो फिर वो कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? अगर मुझे पता होता तो मैं। हेलो, जरा डीसीपी साहब को फोन देना प्लीज। सॉरी मैडम, फोन अंदर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं? अच्छा, जब वो बाहर आए तो उनसे कहना घर पे फोन। ओके ओके मैडम। अरे लाइट को क्या हो गया? भैया, हमने तो कोई फोन नहीं किया। पूरे इलाके का लाइट गया हुआ है। मुझे आपका लाइट मीटर चेक करना है। आई प्लीज कम। लाइट का मीटर उधर है, लेफ्ट में। जी। और मिन का? उधर। काजल,
काजल, ए काजल, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत भारी हो रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? इतना अंधेरा क्यों कर रखा था घर में? लाइट चली गई थी। वो BSES वाला आया था, उसके बाद मालूम नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। करण, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, तुम्हारी कोई इंक्वायरी चल रही है? हाँ, इंक्वायरी चल रही है। किस बात की इंक्वायरी? अरे पता होता तो बताता ना। इंक्वायरी क्या पता मुझे किस बात की चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैसला तो होता ही रहेगा, फिलहाल मुझे यह देखना है कि तेरे हाथों में अभी ताकत है या नहीं। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे यहां से जाने दूंगा। तो हाथ से लड़ेगा या एक से? That's the spirit। मेरे सिकंदर को मार के और मुझे पकड़कर तूने बहुत शौहरत और नाम हासिल किया है। ACP से DCP, तेरा करियर आसमान को छूता रहा और साय की तरह मैं हमेशा तेरे पीछे रहा, लेकिन आज बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि तू मेरे सामने है। तो हार गया कावा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन बॉय, कम ऑन, कम ऑन, अब भी जान बहुत है। हाँ, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, अभी तो तेरी परेशानी शुरू हुई है। हेलो मामा, कल वो बिना बताए घर से चले गए थे, अभी तक ना कोई फोन आया ना कोई खबर। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। नहीं, तुम बिल्कुल मत घबराओ काजल, मैं पता लगाती हूँ। शाजिया, कमिश्नर अंकल, मैं काजल बोल रही हूँ। करण का 2 दिन से कुछ पता नहीं है, कोई मुझे बताता भी नहीं कि वो कहाँ है। प्लीज हेल्प मी अंकल, कहीं उन्हें कुछ। डोंट वरी बेटा, आई लुक इनटू द मैटर, ओके? मुझे मार के नहीं देता, मारते मुझे। तुझे आसानी से मरने नहीं दूंगा। क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे। गुड नाइट। करण का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, काजल बहुत परेशान है, आप कुछ कीजिए ना। घर जाना है ना, बीवी इंतजार कर रही होगी, ले थोड़ा पी के जा।
आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। गावा फिरोजी ने मुझे पकड़ा और उसी ने मुझे ड्रग्स दिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे अंदर जो शराब पाई गई, वो जब वो मुझे ड्रग्स दे सकता है तो क्या मुझे शराब नहीं पिला सकता? उसने मुझे शराब पिलाई और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया और फिर मुझसे गाड़ी वो। डीसीपी करण सिंह, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस हरकत से फुटपाथ पर सोए हुए लोगों का कितना जानी माली नुकसान हुआ है? वो मैंने नहीं किया, वो गावा फिरोजी ने, उसकी वजह से। सर बस एक बार सर गावा फिरोजी मेरे हाथ में आ जाए ना सर, मैं गावा मर चुका है करण। नहीं सर, वो जिंदा है तभी तो मैं आपको, मेरी बात आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ कि वो जिंदा है। चलिए सेंटर कब से चल रहा है? 20 इयर्स। आप कितने साल से हैं? 7 इयर्स। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। डीसीपी करण सिंह करण, सब ठीक हो जाएगा करण, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। करण करण मुझसे बात करो ना करण, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो करण, प्लीज बात करो मुझसे करण, प्लीज टॉक टू मी करण, जाने गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए। आपका मानना है कि गावा फिरोजी जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। आप जैसा कानून का रखवाला ऐसी हरकत करेगा तो आम जनता का क्या होगा? डीसीपी करण, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? करण, हर चीज के लिए मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर या बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके सामने भी तो वही फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं। सच्चाई सिर्फ एक है, कावा फिरोजी। अफसोस है कि सच्चाई तुम्हारे सिवा और किसी को नजर नहीं आ रही है। कावा फिरोजी है सर, वो ही मुझसे बदला ले रहा है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड करण, गावा फिरोजी मर चुका है और एक मुर्दा क्रिमिनल के लिए तुम्हारा इतना जुनून तुम्हारे खिलाफ सबूत बनता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक इस केस की कानूनी तौर पर पूरी जांच नहीं हो जाती, तुम्हें नौकरी से मुअत्तल करने का हुक्म। यू आर सस्पेंडेड। अर्जुन सिंह सर, आज से इस केस के इंचार्ज आप हैं और इसकी पूरी कार्रवाई का जिम्मा आपका है। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद ना थी। To hell with your inquiry and to hell with your sister. क्या बात है करण, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं। I know, तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया ना। किसने बताया कि मुझे सस्पेंड कर दिया? तुम क्या समझते हो, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा? मुझे अंधेरे में रख के तुम्हें क्या मिलेगा करण? सब कुछ जानते हुए भी सवाल कर रही हो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारी मदद अगर ना भी कर सकूँ फिर भी तुम्हारी फिक्र करने का तो हक है ना मुझे। क्या मिलेगा तुम्हें? फिक्र करती हूँ मैं। फिर तुम ही बताओ कि क्या करूँ मैं, अपनी आंखें बंद करके सब कुछ अनदेखा कर दूँ? उस दिन भी घर से ऐसे चले गए, पता नहीं किसका पीछा कर रहे थे। 3 दिन तुम घर से गायब रहे हो, दिल नहीं मानता है फिर भी दिमाग 1000 सवाल पूछता है। तो अब सीबीआई के साथ साथ मुझे घर में भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा? हाँ देना होगा। तुम मुझ पर शक करती हो, मुझ पर? तो मैं क्या करूं, तुम्हारी झूठी बातों को सच मान लूं? मुलायजा हो, अर्ज है। कभी अक्का कभी अद्धा कभी पौवा भी पीते हैं, अगर फोकट की मिल जाए तो मटका भी पीते हैं।
पकड़ कर ले चले पुलिस वाले मुझे थाने में। मैंने कहा जरा ठहरे हुजूर, मेरे अब्बा भी पीते हैं। बोलो टिकरा, क्या मांगता है? है? क्या मांगता है? मैं तुझे मांगने वाला लगता हूँ? अबे तू क्या देगा, मैं क्या लूंगा? तू खुदा है तो मुझसे पूछता क्या मांगता है? हजरत, यह है नकली गुजरात, नशे नशे में हर चेहरा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ओए उल्टी चीज है भिड़ो मत पी, तू इसका आदि नहीं है, बुरी चीज है, मत पी मेरे भाई। मेरी जिंदगी से ज्यादा बुरी तो नहीं? टैक्सी, आज मैं उसकी निगाहों में गिर गया जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरी काजल। शक करती है मुझ पर सब उस कावा फिरोजी की वजह से। जिंदा है वो? कावा फिरोजी जिंदा है? जिंदा है वो? कोई यकीन ही नहीं करता। मैं करता हूं यकीन, मैं जानता हूं साहब, गावा फिरोजी जैसे शैतान इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो फन फैलाए कहीं ना कहीं अपना जहर उगल रहा होगा, मरेगा, जरूर मरेगा जब तुम उसे मारोगे। तुम उस हराम खोर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैं और मेरा भाई इसके लिए काम करते थे। एक दिन उसने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। उससे इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ा दी, इसलिए भेष बदल बदल कर उस आरामखोर से अपनी मौत को दूर रखता रहा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि उस दरिंदे को एक दिन तुम ही मौत दोगे। मौत दूंगा, बस एक बार सामने आ जाए। बहुत जल्द मैं तुम्हें खबर दूंगा कि गांव फिरोजी कहां छुपा हुआ है। बस तुम मीटर डाउन मत करना, टैक्सी बहुत जल्द मिलेगी। और दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, आ चोर सबको सलाम कर प्यारे। साहिब, आपके लिए कोई देकर गया है क्या? लोग क्यों मानेंगे, मैं पागल हूं ना, सबूत चाहिए ना, अब पता चल जाएगा। देखिए ये मैं नहीं हूं काजल, ये मैं काजल, ये मैं, ये सब झूठा है, झूठ है ये सब, देखिए ये सब झूठ है कमिश्नर जी, ये मैं नहीं हूं कमिश्नर, देखिए इसे लाए कमिश्नर, ये सब झूठ है, ये मैं, मेरी बात मानिए काजल, काजल ये सब झूठ है काजल, देखो काजल ये मेरा यकीन करो काजल, मैं तुम्हें
काजल, पति के घर से एक पत्नी की अर्थी उठती है ना माँ, क्या इस लाश को इस घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? काजल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ऑफिसर को मैंने महकमे की शान बढ़ाने के लिए बुलाया था वही महकमे की शर्म बन के रह जाएगा, और जिसे मैंने अपने हाथों से डीसीपी का तमगा लगाया था उसे डिसमिस करने का हुक्म भी मुझे ही देना पड़ेगा। करण, अपना आई कार्ड और वेपन सरेंडर कर दो। यू आर डिसमिस्ड। ये क्या कर लिया आपने साहब? क्या चाहते हैं आप? मार देना चाहता हूं, मार देना चाहता हूं साले को। साय की तरह मेरा पीछा कर रहा है वो। कौन? ओए काबूल! अरे साहब! अरे मर दे तो सामने आप! क्या पुस्तिलों की तरह चुप रहा है? साहब! अरे सामने आ मेरे! साहब सुनते जाइए प्लीज। हराम घर! साहब मेरी बात सुनिए। काबा फ्रोजी हाथ के ले आओ! बोल देखे सलाम, गेम खेल गया सलाम, गेम खेल गया साहब। इससे पहले कि मेरा खून के दाम आपके सर पे लगे, चले जाओ साहब। गावा को मारने के लिए आपको जिंदा रहना होगा साहब, चले जाओ। अब तो मीटर डाउन हो गया साहब, टैक्सी आपको सलाम करता है। सलाम टैक्सी। अर्जुन सिंह, तुम्हें अपने रिश्ते की परवाह न करते हुए करण सिंह को किसी भी कीमत पर हाजिर करना है, जिंदा या मुर्दा। सर। I will not tolerate any lapses. Tighten the damn security. अगर भागने की कोशिश करे, shoot him. हाँ हाँ, पहुंच रहा हूं। करण को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन ये मत भूल जाना काजल तुम्हारी बेटी है। रुक्मणी, ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब काजल का हाथ उसके हाथ में दिया था। तब मुझे उसकी खुशी प्यारी थी, आज उसका सुहाग। एक तरफ तुम मेरे हाथ में हथियार दे रही हो और दूसरी तरफ ये सब बोलकर मुझे निहत्था कर रही हो। वो गुनहगार है रुक्मणी, उसने जुर्म किया है।
अगर कानून के रखवाले ही कानून का उल्लंघन करने लगे तो ये शहर जंगल हो जाएगा। शायद कानून बना ही इसीलिए है। कानून किस लिए बना है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक औरत हूं और औरत का भरोसा इतना कच्चा नहीं होता कि शक और इल्जाम की पहली बारिश में भीग कर बह जाए। सारी दुनिया भी अगर करण के खिलाफ हो तब भी मैं नहीं मानूंगी कि वो गुनहगार है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पापा, आज मेरी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुहागन मरूं। काजल, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? बचा है काजल, जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल जिसे मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होना है। काजल, मैं सब कुछ खो चुका हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो मैं तुम्ही से करती रहूंगी ना। तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ति चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सकूं और दुनिया को यह साबित कर दूं कि गावा फिरोजी जिंदा है। मगर तुम ये सब करोगे कैसे? उसको मारकर। मेरे लिए अब ये युद्ध की शुरुआत है। करण सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। पापा, हट जाओ आगे से। नहीं, मैं कहता हूं हट जाओ। रुक क्यों गए पापा? चलाइए गोली, मार दीजिए मुझे। Come on, shoot me, shoot me, shoot me। भाग क्या करें? थैंक यू अंकल। कबीर, करम भैया, करम भैया, वो काजल दीदी को, वो काजल दीदी को गावा फिरोजी ले गया। जानती हूं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं। अपने भाई की मौत का दर्द जो मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूं, उसी दर्द से मैं करण को तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है कावा। करण जरूर आएगा। मैं भी चाहता हूं आए, मगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ लैंडमाइंस और बॉम्ब लगे हुए हैं। अगर वो इन सबसे बचकर यहां तक पहुंच भी जाता है तो नसीब वाला है,
जो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाते देखेगा, उस वक्त मैं तुम्हारी मौत का खौफ उसकी आंखों में देखना चाहता हूं। गौर से देखना उसकी आंखों में, तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हारी मौत नजर आएगी। मेरी बीवी चीख तुझे यहां खींच कर लाई है ना। हाँ बे, जानता है मेरे भाई की चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। अब तो वो चीख सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े तेरी आंखों के सामने होंगे। चीख सुनाई देती है, उन हजारों मासूमों की चीखें सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रग्स और हथियारों की बलि चढ़े हैं। क्या वो किसी के भाई और बेटे नहीं थे? आज तू अपनी मौत की चीख सुनेगा। काटना साली को। तू मेरी चीख सुनेगा, मेरी चीख।
Hurry up!